हेलो गाइस, आप भाई कैसे हो? आप लोग मुझे एक बार बता दो, मैं लाइव हूँ या नहीं, एक बार मुझे बता दो मैं लाइव दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा। आज पहले मुझे बताओ, फिर कुछ बातें करेंगे और क्लास शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दिख रहा हूँ ना मैं, एक बार कोई भी मुझे कमेंट में लिखो। हाय साहिल, यस, ऑडियो ऑडियो सब क्लियर है? ऑडियो एंड ऑड क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? फटाफट फटाफट से लाइव आ जाओ। उस टाइम जैसे 200 स्टूडेंट्स लाइव थे, तोड़ मचा देंगे। आज आग लगाने के लिए आए हैं आप, वैसे भी हम मचाने के लिए आए, क्योंकि यार उस टाइम बहुत दुख हुआ मुझे, लाइट चली गई थी, कुछ बहुत ज़्यादा बारिश एंड बहुत इस तरह की चीज़ें हो रही थी। मैं नहीं चाहता था, मैं चाहता था उसी वीडियो को कंटिन्यू करूँ, बट बहुत लेट हो गया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पर अभी अभी ख़त्म करेंगे तो अब मैं सोच के आया था, आज कुछ भी हो जाए मैं आज आपको करवा के जाऊंगा। ये या तो रात को मैंने 2 बज जाते, लेकिन आज ये करवाना था बस। ठीक है, उस वाली वीडियो में अब तक 3000 व्यूज़ हो गए। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच गाइस। एक बार इस वीडियो को भी लाइक कर दो। विल दिस वीडियो भी अवेलेबल ऑफलाइन? अगले 2.5 घंटे में पूरा GST मैं करा दूंगा। कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं ना, थोड़े हर्डल्स आ जाते हैं, वही हर्डल्स आ जाते अभी हुआ था, वरना अभी तक तो खत्म कर चुके होते अपन लगभग लगभग। ठीक है, तो विच टॉपिक विल यू कवर इन दिस वीडियो? बचा हुआ GST का अभी तक अपन ने प्लेस और वैल्यू करा था। टाइम अगले 15 मिनट में, रजिस्ट्रेशन 15 मिनट में, कंपोजिशन 15 मिनट में, टारगेट ले लेके खत्म, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। ऑल इज वेल, यस। अभी क्या यार, उस टाइम इतने सारे बच्चे थे, अभी कम हो गए तो थोड़ा ऐसा चल रहा है, बट वो फ्लो ही अलग था मतलब। और अभी भी उसी फ्लो के साथ एकदम तोड़ेंगे। ऑल तो वापस से दवाई ले ली मैंने, कहा फीवर ना आए, दवाई ले ली मैंने वापस से, कराना है बस आज GST, ये सोच के आया बस। ठीक है, ऐसा था कि 10 बजे मनोज सर की क्लास थी, मैंने कहा मैम 12 बजे रख दो। बोली सर क्या कर रहे हो? मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हाउ आर यू नाउ? ये इच्छा होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं आज क्लास। बाकी बच्चे जब तक ज्वाइन करें मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माइसेल बख्शांश गर्ग एंड आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पढ़ाता हूँ। अभी फिलहाल इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहा हूँ। ये हमारा अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ पे आपको सारे नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक बच्चे भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और RCM मैं बताता हूँ। और दूसरा क्या, अनअकैडमी में आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज मिल जाएंगी। अनअकैडमी पर इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज मिल जाएंगी आपको, एक ही प्लेटफॉर्म पे इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पर डाउनलोड करनी है। फिर आपको CA Final Group 1 Group 2 जैसे आपने देख कर ही रखा होगा, ऐप डाउनलोड कर ही रखी है आप लोगों ने, ज़्यादातर बच्चों ने। तो जिन्होंने नहीं कर रखी है उनको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके CA Final Group 1 Group 2 में जाना है अपने को डिटेल्स भर के। फिर आपको सब्सक्रिप्शन के लिए आप देखेंगे यहाँ पे 1 मंथ या फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो पर मंथ आपको 650 रुपये का सब्सक्रिप्शन पड़ता है। अगर आप 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड लगाने के बाद 1KG10 टोटल प्राइस क्या होगी सब्सक्रिप्शन की, 23,400 रुपीज़ होगी कोड लगाने के बाद। पर मंथ 650 रुपीज़ का पड़ेगा, जो आपकी 10th और 12th क्लास की फीस से भी काफ़ी कम होगा। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपका 844 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा, जो भी काफ़ी लो है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 36, 24, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ या 1 मंथ का लेंगे, ठीक है, वो आपको उतना बेनिफिशियल रहेगा। मैं रिकमेंड करूँगा आप 24 या 36 मंथ का लें। अगर आपका अटैम्प्ट उससे जल्दी है तो आप 12 मंथ का भी ले सकते हैं। ठीक है, 1KG10 आज क्लास शुरू करते हैं। ये मेरा पैट पड़ोसी का पैट है हमारा, ठीक है। तो 1KG10 कोड लगाएंगे आप, काम एकदम सेट हो जाएगा आपका। आज क्लास शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज क्लास शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। ठीक है, आ जाओ। प्लेस ऑफ सप्लाई अपन पढ़ चुके थे, प्लेस ये चैप्टर उसी के कंटिन्यूएशन का है, जो अपन ये समझो मत अलग क्लास है, वही क्लास चल रही है, बस कुछ इश्यूज हो गए थे इसके कारण दूसरा पार्ट लेना पड़ रहा है। सारे आ जाओ एकदम तोड़ मचाने के लिए, क्लास को शेयर करो, जितने भी बच्चे पहले थे ना उतने बच्चे होने चाहिए, मजा आ जाएगा। अब फटाफट फटाफट शुरू करते हैं। आओ, वैल्यूएशन अपन खत्म कर चुके थे लगभग, वैल्यूएशन आई होप हम खत्म कर चुके थे लगभग। एक बार वैल्यूएशन की शक्ल देख लेते हैं, वैल्यूएशन क्या कह रहा था। जूम मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ सारे आ जाओ।
रूल वाउचर, वाउचर से शुरू करना था, वाउचर से शुरू करना था। वाउचर का मतलब ये था कि कोई भी ऐसा चीज, मतलब कोई भी ऐसा वाउचर जिसको आपको पता है कि आपको उससे क्या सप्लाई मिलने वाली है। लेट सपोज आपके पास एक कूपन पड़ा है, उससे आपको पता है कि इससे मैं शर्ट खरीदने वाला हूँ, आपको पता है इससे आप शर्ट खरीदने वाले हो, तो आइडेंटिफाइबल है वो। मैंने आपको आज वाउचर दिया जून में, और आपको बोल दिया अगले 6 मंथ के अंदर आप कभी भी शर्ट खरीद लो, अगर आपको पता है ना इससे आप क्या खरीदने वाले हो, तो उसी टाइम की सप्लाई मान लेंगे और आज ही उस पर जीएसटी लगा देंगे। और अगर नहीं पता, लेट सपोज मैंने आपको 2000 रुपीज का वाउचर दिया और अमेजोन से आप कुछ भी परचेज कर लो, तो आप कुछ भी परचेज कर सकते हो। तो जैसे जैसे परचेज करते जाएंगे वैसे वैसे, मार्जिन स्कीम की हमने बात कर ली थी ऑलरेडी, फिर आएंगे अपन, ठीक है। वैल्यूशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ प्योर एजेंट। प्योर एजेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना, प्योर एजेंट का क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आ जाता है। प्योर एजेंट होता क्या है, प्योर एजेंट होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। प्योर एजेंट क्या होता है, सपोज करो प्योर एजेंट का मतलब होता है वो ऐसा एजेंट, ऐसा बंदा जो प्योरली आपके बिहाफ पे काम करे, समझ रहे हो। उसके मन में ऐसे कोई गलत इंटेंशंस ना हो, उसका पर्पज ऐसा ना हो कि वो आपके गुड्स का टाइटल ले ले या आपके गुड्स को यूज कर ले, वो एकदम ऑनेस्टली आपके लिए काम करे। जैसे सपोज करो कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट मतलब कोई सपोज करो कोई भी ग्रुप में साहिल है, ठीक है, साहिल है। साहिल मुझे बोलता कि सर मुझे अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है, मुझे कंपनी रजिस्टर करवानी है, आप है ना कितनी फीस लोगे। मैंने कहा 10,000 रुपीज़। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा आरओसी को अलग से देनी पड़ेगी 20,000 रुपीज़ की फीस, ठीक है। तो उसने उसने मेरे को बोला, मैंने कहा एक काम करो तुम मुझे 10,000 रुपीज़ दे दो, आरओसी को अलग से 30,000 रुपीज़ पे कर देना, ठीक है, आरओसी को अलग से 30,000 रुपीज़ पे कर देना। तो साहिल ने मुझे बोला कि सर एक काम करो ना, आप ही पे कर देना ना, आप मेरे बिहाफ पे कर देना। तो अगर मैं साहिल से 30,000 रुपीज़ ले रहा हूँ, अगर मैं साहिल से 30,000 रुपीज़ ले रहा हूँ, तो आप समझ लो मैं प्योर एजेंट हूँ। मतलब 10,000 तो जो मेरी फीस है मैं वो ले ही रहा हूँ, और 20,000 रुपीज़ में मैं कोई घालमेल थोड़ी कर रहा हूँ। और सपोज करो यही केस होता है, मैं साहिल को बोलता एक काम करो 35,000 रुपीज़ दो, सारा मैं कर लूंगा जो करना होगा, ठीक है, आप टेंशन मत लो, सारा मैं कर लूंगा। उसको उस केस में प्योर एजेंट नहीं होता, ठीक है। प्योर एजेंट की क्या क्या कंडीशन होगी, द सप्लायर एक्ट एज द प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लायर व्हेन ही मेक्स पेमेंट टू द थर्ड पार्टी, द पेमेंट मेड बाय प्योर एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लायर हैज बीन सेपरेटली इंडिकेटेड। मतलब इनवॉइस के अंदर अलग से दिखना चाहिए कि प्योर एजेंट को क्या क्या पेमेंट करा, ठीक है। बहुत बेसिक से कुछ चीजें हैं, कुछ नहीं है। देखो नीदर इंटेंट टू होल्ड और होल्ड एनी टाइटल, उसका कोई पर्पज नहीं होना चाहिए कि आपके गुड्स पे टाइटल होल्ड करे। एंटर्स इनटू कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विद द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, आपके साथ एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए उसका। डज नॉट यूज फॉर हिज ओन इंटरेस्ट, डज नॉट यूज फॉर हिज ओन इंटरेस्ट सच गुड्स और सर्विसेज सो प्रोक्योर्ड, ठीक है, खुद के इंटरेस्ट के लिए वो यूज ना करे। रिसीव ओनली द एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड, जो एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड हुआ है ना वही रिसीव करे वो, ठीक है, तो समझ रहे हो, जो एक्चुअल अमाउंट मिला वही रिसीव करेगा। एक बार मुझे बताओ कितने बच्चे लाइव हैं मुझे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जितना एक्चुअल अमाउंट मिला है, ढेर बहुत दिनों बाद आए हो तुम आज, ठीक है, वो जितना एक्चुअल अमाउंट मिला है ना वही ले लो, ठीक है, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। प्योर एजेंट क्या हुआ, इसका तुम्हारे गुड्स पे कोई गलत इंटेंशन का पर्पज ना हो, इस तरह का कोई चीज ना करता हो, सब्जेक्ट टू द फुलफिल ऑफ अबाउ कंडीशन द एक्सपेंडिचर एंड कॉस्ट इनकर्ड बाय द प्योर एजेंट। अब ध्यान से सुनो यार, सपोज करो 10,000 रुपीज़ की मैंने, 10,000 रुपीज़ मेरी फीस थी कंपनी रजिस्टर कराने की, 20,000 रुपये आरुष की फीस थी, मैंने 30,000 रुपीज़ दे लिए, मेरी वैल्यू के अंदर 10,000 रुपीज़ आएगा ना कि 30,000 रुपीज़ आएगा। जो भी खर्चे हुए ना वो भी मेरे मेरे उसमें से कुछ नहीं होगा मेरा, क्योंकि एक्सपेंडिचर एंड कॉस्ट इनकर्ड बाय द सप्लायर एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई हैज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। भाई वो एक्सपेंड वो तो होता है किसी के बिहाफ पे कर रहा है वो, अगर वो जो साहिल है वो भी अगर आरओसी के पास जाता ना, साहिल भी अगर आरओसी के पास जाता तो भी उसको इतनी पेमेंट करना पड़ता, समझ रहे हो। फिर एक मैंने एक क्लैरिफिकेशन था जो मैंने रेगुलर क्लास के अंदर तो समझा दिया था, लेकिन यहाँ पे भी समझा देता हूँ। टैक्सेबिलिटी ऑफ एयरपोर्ट लेवी कलेक्टेड बाय प्योर एजेंट, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, देखो एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की जो लाइबिलिटीज होती है ना, सपोज करो एयरपोर्ट पे आप जा रहे हो, इतनी लाइटिंग वाइटिंग होती है, इतना सिक्योरिटी विक्योरिटी होती है, उसका खर्चा क्या हो, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, उन्होंने फ्लाइट कंपनीज को बोल रखा है कि आप हमारे बिहाफ पे कुछ पैसा कलेक्ट कर लो, पर टिकट पे जैसे आप 5 रुपये कलेक्ट कर लो है ना, या 2 रुपये कलेक्ट कर लो, 10 रुपये कलेक्ट कर लो, तो आप वो है ना कलेक्ट कर लो। जैसे सपोज करो टिकट था आपका 1,000 रुपीज़ का, आप इंडिगो से मुंबई जा रहे थे, 3,000 रुपीज़ का टिकट था आपका, टिकट के अंदर लिखा हुआ है मतलब 5-6 तरह के चार्जेस लिखे हुए हैं टिकट के अंदर, 5-6 तरह के चार्जेस लिखे हुए हैं उसके अंदर। एक चार्जेस ये भी लिखा हुआ है कि भाई यूएसएफ और पीएसएफ, यूडीएफ और पीएसएफ का चार्जेस, तो ये जो यूडीएफ और पीएसएफ का चार्जेस है ना वो एयरलाइंस की सप्लाई वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। डेफिनेट डेफिनेट सी बात है,
जो इस मान लो इंडिगो था, तो इंडिगो उस पर टैक्स नहीं देगा, इंडिगो अपने वैल्यू में नहीं जोड़ेगा उसको, वो भी मान लो 50 रुपीज उसने PSF और UDF के नाम से चार्ज किए, वो क्या करेगा सिंपली वो पैसा कलेक्ट करके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे देगा। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐसा तो नहीं करेगा ना कि बाहर एक आदमी उठा लेगा, जो भी एयरपोर्ट के अंदर आएगा बोले लाओ 50 रुपये का PSF और UDF दो, ऐसे थोड़ी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे ना डेफिनेटली। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने बोला कि आप है ना उन्हीं से कलेक्ट कर लो और हम आपको एज अ प्योर एजेंट उनको दे देंगे, उस पर GST इंडिगो बिल्कुल पे नहीं करेगा, उस 50 रुपीज पे GST। एक सेकंड रुको यार, मैं गेट बंद कर, पड़ोसियों का पैड था। अच्छा जब भी कुछ अच्छे काम करते हैं ना तो ये रोने लग जाते हैं बार बार। चलो देखो अभी तक शाम वाली क्लास बढ़िया चल रही थी, आराम से 150 लर्नर्स लाइव थे, मज़ा ही आ रहा था। देखो द अमाउंट रिकवर्ड विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सप्लायर, देखो हम समझ गए आप इसके अंदर क्या होगा, जो पैसेंजर से कलेक्ट किया ना, देखो द अमाउंट रिसीव्ड विल बी, द अमाउंट रिकवर्ड विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सप्लाई मेड बाई एयरलाइन, एयरलाइन की सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होगा वो, ठीक है। कुछ भी नहीं है, पहले सप्लाई चैप्टर खत्म हो चुका है। रूल 33 इंपॉर्टेंट है, इसके आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। रूल 33 इंपॉर्टेंट था, इसके काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। वैल्यूएशन के क्वेश्चन एक बार मैं आपको बता देता हूँ, कुछ एडिशनल क्वेश्चन की भी मैंने लिस्ट बना रखी थी। देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ वैल्यूएशन ये क्या है, MTP RTP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने कईयों पर तो लिख भी रखा है, जैसे ये कब आया है कब आया है, ये है ना कुछ किस तरह के क्वेश्चन हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। चलो यस सर यू आर एन ट्रू इंस्पिरेशन, थैंक यू। हाय सौम्या हाउ आर यू, आज कैसे भी करके कराना था, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को, मैं सोच के आया था चाहे 12 बज जाए चाहे तब तक लाइट नहीं है, पर मेरे को था आज तो करा के जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम के टाइम तो भाई एटलीस्ट करना ही करना ही, तो कुछ भी हो जाए, ठीक है। जैसे अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन की लिस्ट है मैं आपको दे दूंगा, ये वैल्यूएशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बाकी मॉड्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन देख के और आगे बढ़ेंगे फटाफट। देखो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, देखो ध्यान से सुनो, रेंट ऑफ द कमर्शियल बिल्डिंग एड होगा, मेंटेनेंस चार्जेस कलेक्टेड बाय लोकल सोसाइटी फ्रॉम द ओनर एंड रिइंबर्स बाय द टेनेंट। अब वैल्यू सप्लाई किसकी निकालनी है, देखो ध्यान से देखो, आंसर में दो एग्जाम्पल कर रखे हैं ये और ये, देखो द डिटरमाइन द वैल्यू सप्लाई टू बी कलेक्टेड पेड बाय ओनर, ओनर ओनर को पे करनी है, ओनर की टैक्स लाइबिलिटी, ओनर की टैक्स लाइबिलिटी। ये वाली क्वेश्चन की फाइल भी शेयर कर देना, हाँ मैं कर दूंगा, जूम करो जूम करो, ठीक है ठीक है ठीक है, जूम करता हूँ, बोलते रहा करो तुम, टेंशन मत लो, जूम कर दिया लो। ये सब एग्जाम में MTP RTP इस तरह के क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड GST लायबिलिटी टू बी, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन के PDF है ना मैं दूंगा आपको, इंस्टीट्यूट का कॉपीराइट है मैं दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड GST लायबिलिटी टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय द ओनर विद द फॉलोइंग पर्टिकुलर, रेंट ऑफ द कमर्शियल बिल्डिंग, अब ओनर की GST लायबिलिटी बताओ, रेंट क्या है 18 लाख रुपीज, अच्छा मेंटेनेंस चार्जेस कलेक्टेड बाय द लोकल सोसाइटी फ्रॉम द ओनर एंड रिइंबर्स बाय द टेनेंट, अच्छा ओनर ने पे कर दिया, ओनर ने पे कर दिया, ओनर ने पे कर दिया 2,50,000 रुपीज का, ठीक है। ओनर इंटेंड टू चार्ज GST ऑन रिफंडेबल एडवांस एज GST इज एप्लीकेबल ऑन एडवांस, जो वापस से रिफंड करना है उसको तो उस पर GST नहीं लगाएंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय द ओनर, आंसर देखो एक बार इसका, रेंट चार्जेस ऐड करना है, मेंटेनेंस चार्जेस कलेक्टेड बाय द लोकल सोसाइटी बीइंग रिइंबर्स बाय द टेनेंट, सच चार्जेस अल्टीमेटली फॉर्म पार्ट ऑफ द रेंट पेड बाय टेनेंट टू द ओनर एंड दस विल बी पार्ट, ठीक है। एडवांस पे नहीं होगा, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर बीइंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द सप्लायर द सेम इज नॉट अज्यूमिंग दैट सच टैक्सेस आर नॉट चार्ज टू द रेसिपिएंट, अज्यूमिंग दैट द सच टैक्सेस आर नॉट चार्ज टू द रेसिपिएंट, देखो ये ऐसे कह रहा है, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात, बोले ओनर की GST लायबिलिटी बताओ। अब बोल रहे हैं कि रेंट मिला ओनर को, रेंट मिला, रेंट मिला तो GST लगेगा उस पर, ठीक है। बोले कि मेंटेनेंस चार्जेज हैं, मेंटेनेंस चार्जेज हैं, ओनर ने पे कर दिए लेकिन टीनेंट को पे करने हैं, टीनेंट को पे करने हैं, तो इनडायरेक्टली टीनेंट का खर्चा हो गया ना, टीनेंट ने ओनर को दिए तो ओनर को मिला ये भी, इसको भी टैक्स लगाओ, ठीक है। भले वो बाइफरकेट कर दिया कि भाई तेरे को 2,50,000 रुपीज इसके देने हैं उसके देने हैं, पर जादू टीनेंट की जेब से रहे ना, ओनर इंटेंड टू चार्ज GST ऑन रिफंडेबल एडवांस एज GST इज एप्लीकेबल ऑन एडवांस, अब वो एडवांस का पैसा है जो वापस करना है रिफंड, उस पर GST नहीं लगाएंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, भाई ये तो ओनर को ही पे करने हैं, समझ रहे हो, ये ऐसे बोल रहा है कि
ऐसी जीएसटी लायबिलिटी निकालो जो ओनर को पे करनी है। अब ये ओनर किस किस अमाउंट पे जीएसटी पे करेगा, जो जो उसको टीनेंट से मिला, ठीक है, ये अमाउंट को टीनेंट से थोड़ी मिला, ये तो उसको मिल, ये तो ओरिजिनली वो खुद ही पे कर रहा है, तो उस पर थोड़ी जीएसटी पे करेगा। जो जीएसटी तो किस पे करेंगे, जो उसकी रिसीट्स हुई, ठीक है, तो दो अमाउंट ऐड हो जाएंगे बस, 18 लाख और 2,50,000। ये अमाउंट तो वैसे भी रिफंडेबल वाला है, इस पर जीएसटी में लगेगा। इसकी मैं नेट शेयर कर दूंगा आपको क्वेश्चंस की। देखो ये वाला क्वेश्चन आया था, देखो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है एग्जाम नवंबर 20 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको करा लेता हूँ मैं। मैसेज ग्लोबल ट्रेवलर्स इज प्रोवाइडिंग मनी चेंजर। देखो मैंने आपको बताया था ना, देखो इसमें क्या लाइन लिखी हुई है, द कंसर्न इज नॉट ऑप्टेड, नॉट ऑप्टेड। अब जितने भी बच्चे थे ना, उन्होंने रूल 32(2)(b) देखा, नॉट वाला वर्ड नहीं देखा। अब भाई लिखने की जरूरत ही क्या थी, पर वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। इट हैड कन्वर्टेड 6,000, देखो 6 US 6,000, देखो दोनों ही करेंसी इंडिया की नहीं है, ठीक है, दोनों ही करेंसी इंडिया की नहीं है, तो अब 6,000 रुपीज को 72 से मल्टीप्लाई करो और 9,000 रुपीज को 52 से मल्टीप्लाई करो। इसको मल्टीप्लाई करने के सॉरी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों में से जो भी कम वैल्यू होगी ना, उसका 1%, ले लो आप, उसका 1% ले लो, ठीक है। इट हैज बुक डोमेस्टिक टिकट वैल्यू ऑफ 7 लाख रुपीज एंड इंटरनेशनल टिकट बुक वैल्यू ऑफ 15 लाख रुपीज। तो डोमेस्टिक पे तो टैक्स लगेगा 5% बेसिक का, बेसिक अब इसके अंदर दे रखा होगा, देखो बेसिक बेसिक कुछ दे रखा क्या, बेसिक फेयर बेसिक एयर कंपोनेंट अंडर बोथ डोमेस्टिक टिकट वैल्यू 70% एंड 60%। बोल रहा है बेसिक 70% है डोमेस्टिक के केस में और इंटरनेशनल के केस में 60% है। तो डोमेस्टिक का 70%, 7 × 7 = 49, 4,90,000 है, और इसके केस में कितना है, 60% मतलब 9 लाख रुपीज। तो 4,90,000 पे और 9 लाख रुपीज पे, 4,90,000 तो 5% है और 90 लाख और 9 लाख रुपीज का 10%, वो तो ये रूल 32 लगा देंगे अपन। और इस केस में ये इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देखो इस केस में क्या होगा, दोनों ही करेंसी इंडिया के अंदर नहीं है, तो 6,000 × 72 और 9,000 × 52 जो भी वैल्यू है ना, दोनों में से जो भी लेस वैल्यू है उसका 1%, और ये आपको पता ही है, इस तरह के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप समझ गए होंगे हम जो भी ट्रैक पे चल रहे हैं वो सही ट्रैक पे चल रहे हैं। देखो 4,92,000, 9 लाख रुपीज इस पर जीएसटी लगा दिया, ठीक है, और इस केस में दोनों को कन्वर्ट कर दिया, कम करेंसी है 4,32,000, 4,320 आंसर, क्लियर है, कोई भी दिक्कत है क्या बताओ, एग्जाम में आया क्वेश्चन है। उदित अरोड़ा हवा में बोल रहे, उदित अरोड़ा क्या हवा में बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या बोल रहे हो, सब एग्जाम में आया क्वेश्चन है ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन, समृद्धि एडवर्टाइजर्स है, कंसिडरेशन 5 लाख रुपीज का लिया उसने, समृद्धि एडवर्टाइजर्स है जिसने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन डिजाइन किया, 5 लाख रुपीज का कंसिडरेशन लिया। समृद्धि एडवर्टाइजर्स ओड 20,000 टू वन ऑफ इट्स वेंडर इन रिलेशन टू एडवर्टाइजिंग सर्विस पॉलिसी बाय इट टू द न्यू मून पॉलिसी सच लायबिलिटी समृद्धि वर डिस्चार्ज टू न्यू मून। कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में, सारी वैल्यू ऐड कर दो। मैंने आपको हमेशा ध्यान से बताया था आपको कि किस रेट पे कन्वर्ट करा है। अरे यार पहली बार पढ़ रहे हो वैल्यूएशन, 6,000 डॉलर को 72 रुपीज से मल्टीप्लाई करो, अभी पुरानी क्लास में बताया था ना आपको, फिर 9,000 रुपीज को 52 से मल्टीप्लाई करो, मैंने बताया था कि दोनों में से एक भी करेंसी अगर इंडियन करेंसी में नहीं हो तो दोनों करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो, और दोनों में से जो भी कम करेंसी आएगी उसका 1% ले लो। इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान से देखो, 5 लाख रुपीज और 20,000 रुपीज, बोले कि 5 लाख रुपीज कंसिडरेशन था एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का, 25,000 20 रुपीज उसको और देने थे एक वेंडर को, ये भी ऐड करो। दूसरा मैंने आप इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखने वाली बात यह है, एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आप रिवाइज नहीं कर सकते, एग्जाम इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो 15,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिला ना आपको, 15,000 जो इंटरेस्ट जब भी मिलता है ना जीएसटी के अंदर, तो मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट इज ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब 15,000 के अंदर 15,000 / 118 करो, 15,000 / 118 करो, इंटू 100 करो, जो भी अमाउंट आएगा वो इंटरेस्ट का अमाउंट मानेंगे अपन, ठीक है। किस रेट पे कन्वर्ट करा है उदित अरोड़ा, आप इस क्वेश्चन को खुद से देखिएगा, सेल्फ आपको समझ में आ जाएगा किस रेट से कन्वर्ट किया है, आप बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया सर्विस चार्ज जितना 20,000 इंटरेस्ट को इंक्लूसिव मानते हैं हमेशा जीएसटी के अंदर, इंटरेस्ट को हमेशा इंक्लूसिव मानते हैं, ठीक है, ये भी इंक्लूड हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कराऊं,
ये क्वेश्चन भी करा देता हूँ फटाफट से, रिवीजन रिवीजन करते हैं। चलो अगला चैप्टर पढ़ेंगे या ये वाला क्वेश्चन कराऊँ? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एमटीपी आईटी में आए हुए। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, काम करूंगा जिस दिन मैं एमटीपी आईटीपी वाली क्लास लूंगा ना उसके अंदर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप क्वेश्चन सारे करा लूंगा। क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे क्योंकि आपको मैंने प्रोविजन सारे समझा दिए हैं। अब अगला क्लास शुरू करते हैं, करवा दीजिए। कितने लोग बोल रहे हैं कि आगे, सब जल्दी से बताओ कितने लोग चाहते हैं मैं आगे बढ़ूँ, कितने लोग चाहते हैं मैं क्वेश्चन कराऊँ, जल्दी बताओ। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, आप कर लेंगे और बाकी मैं करवा भी दूंगा आपको पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं दूसरी क्लास दूंगा क्वेश्चन की क्लास बाद में, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलो आगे शुरू करते हैं, आगे शुरू करते हैं। क्या लगता है 28 को ऑप्ट आउट होगा या नहीं, ये बातें नहीं करेंगे इस क्लास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलो टाइम ऑफ सप्लाई पे आते हैं आगे, चलो टाइम ऑफ सप्लाई पे आते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई इंस्टीट्यूट के मॉडल में बहुत अच्छा दे रखा है, उसका लेटेस्ट रिकैपिलेट करेंगे और अगले 10 मिनट में टाइम ऑफ सप्लाई रिवाइज कर लेंगे। आओ अब अपना प्लेस हो गया, वैल्यू हो गया, अब टाइम होने वाला है। टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर ध्यान से सुनो, देखो गुड्स की शायद 2-3 दिन पहले रिवाइज कराया था मैंने, वापस एक बार बोल देता हूँ, अगले 10 मिनट में बोलूंगा, ज़्यादा बोलने का कुछ है नहीं इसके अंदर। टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर ध्यान से सुनो, टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का भी होगा सर्विस का भी होगा। गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज के अंदर एक कंडीशन लगेगी, फॉरवर्ड चार्ज के अंदर कंडीशन क्या लगेगी, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज रिक्वायर टू बी इशूड। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज रिक्वायर टू बी इशूड। टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज के अंदर पेमेंट से कोई मतलब नहीं है, पेमेंट कभी भी आए जाए उससे कोई मतलब नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, मैंने आपको बताया था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज दो तरह के केसेस होते हैं। गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज के केस में 2 कंडीशन, रिवर्स चार्ज के केस में 3 कंडीशन और सर्विसेज के केस में 2 कंडीशन। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज के केस में 3 कंडीशन लगती है, बाकी हर केस में 2 कंडीशन लगती है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज के केस में कंडीशन क्या लगती है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऑब्लिक लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज रिक्वायर टू बी इशूड। लास्ट डेट क्या होती है, जिस दिन इनवॉइस, लास्ट डेट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में इनवॉइस कब तक इशू करना होता है, जिस टाइम मेरे फैक्ट्री के, जिस टाइम लेट सपोज मैं सामान बेचा, ए ने बी को बेचा, जिस टाइम ए के गोडाउन, ए के वेयर हाउस, ए की फैक्ट्री से माल उठा, मतलब गुड्स मूव करे, द मोमेंट जैसी गुड्स मूव करे ना उसी टाइम तक उसको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। लेट सपोज इनवॉइस, लेट सपोज ऑर्डर आ गया 1 जून को, ऑर्डर आ गया 1 जून को, पेमेंट भी आ गया 1 जून को, ठीक है, इनवॉइस बना दिया 4 जून को और गुड्स, गुड्स की गुड्स मूवमेंट करे फैक्ट्री से, गुड्स कम गुड्स भेज दिए फैक्ट्री से 5 जून को। टाइम ऑफ सप्लाई की डेट 4 जून होगी, डेट इज डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट क्या थी इस केस में इनवॉइस इशू करने की, 5 जून थी, क्योंकि 5 जून को गुड्स का मूवमेंट हुआ, लेकिन इनवॉइस तो 4 जून को इशू कर दिया, तो जो भी दोनों में से पहले होगा ना वो। और लेट सपोज इसी एग्जाम्पल में इनवॉइस 6 जून को इशू करते और फैक्ट्री से सामान 5 जून को चले गए, तो टाइम ऑफ सप्लाई 5 जून आ जाएगा उसके केस में, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 5 जून थी, पेमेंट भले ही 1 जून को कर दिया उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आगे आओ, हाँ ये रिवीजन वाली टाइम क्लास है, टाइम ऑफ सप्लाई मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ इसलिए जल्दी जल्दी कराऊंगा। फॉरवर्ड चार्ज क्लियर है मेरे ख्याल से, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, ये 2 कंडीशन जो बुक में लिखी हुई है ना एक को काट दो, कोई काम की नहीं है। ये मॉडल में लिखी हुई थी, ब्रैकेट में उन्होंने लिख दिया प्रेजेंटली इररेलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स, प्रेजेंटली इररेलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स, ठीक है, जो कोई काम के। चलो अब आओ, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज हो गया, रिवर्स चार्ज के केस में 3 कंडीशन बनती हैं। सर 3 कंडीशन क्या क्या बन सकती हैं, आप खुद ही सोचो। रिवर्स चार्ज के केस में मतलब है कि जीएसटी कौन पे करेगा जिसको गुड्स मिले, जीएसटी कौन पे करेगा जिसको गुड्स मिले। अब क्या क्या कंडीशन बन सकती है, जिस दिन गुड्स मिले, डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड, जिस दिन पेमेंट किया, पेमेंट जब भी करते हैं तो 2 कंडीशन लगती है, या तो पेमेंट बैंक अकाउंट में, जिस दिन अपन ने पेमेंट किया, किया मतलब बैंक अकाउंट में जिस दिन डेबिट हुआ, ठीक है, या तो जिस दिन बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट डेबिट हुआ, और या फिर जिस जिस दिन बुक्स के अंदर एंट्री करी, दोनों में से जो भी जल्दी होगा। और दूसरा, तीसरी कंडीशन क्या है, 31st day फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन इनवॉइस इशू किया गया ना उससे 31st day। अब 3 कंडीशन क्या होंगी, जिस दिन गुड्स मिले, जिस दिन पेमेंट किया, या जिस दिन इनवॉइस इशू किया उसका 31st day। कई बुक्स में ऐसा लिखा होगा, मतलब इंस्टीट्यूट की बुक में इसी चार्ट में ऊपर एक और चार्ट बना रखा है उसमें लिखा होगा द डे फॉलोइंग द 30th day, इसका मतलब 31st day, ठीक है, जो डे जो 30th day को फॉलो कर रहा है मतलब 31st day, ठीक है। सर डोंट सी चैट, जल्दी जल्दी चाहिए, बिल्कुल शुभम, ये उन्हीं बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा एग्जैक्ट तो पहले से आइडिया हो थोड़ा बहुत चैप्टर के बारे में। फिर बोला टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स, वाउचर्स के केस में मैं आपको बता चुका, अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल है ना,
तो टाइम ऑफ सप्लाई उसी डेट की आ जाएगी जिस टाइम वाउचर इशू हुआ कि उससे क्या सप्लाई मिलने वाली है, और वाउचर अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो जिस टाइम एक्चुअल में सप्लाई हुई वो टाइम ऑफ सप्लाई से बेसिक मतलब क्या होता है, सपोज करो टाइम ऑफ सप्लाई जून की आ गई तो जीएसटी कब पे करेंगे, अगले महीने की 20 तारीख को, डेट इज 20 जुलाई। ठीक है, वाउचर फूड वाउचर आपको पता है कि भाई इसे शर्ट मिलनी है तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, और आपको पता है आप इससे कोई भी फूड खरीद सकते हो, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द वाउचर। ठीक है, अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स खत्म हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में आ जाते हैं। ठीक है, गुड्स के केस में दो क्या क्या कंडीशन थी, फॉरवर्ड चार्ज के अंदर दो कंडीशन, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और सेकंड लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस व्हिच एवर इज अर्लियर। रिवर्स चार्ज के अंदर तीन कंडीशन थी, क्या थी कंडीशन, एग्जाम में भूल जाते हैं अपन जल्दी जल्दी में, कंडीशन क्या थी याद रखने जैसी है ही नहीं। रिवर्स चार्ज मतलब गुड्स मिले होंगे, डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स, हमने पेमेंट करा होगा, डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू इनवॉइस। तीन ही तो केस होते हैं, क्या 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 केस होते हैं, या तो इनवॉइस इशू, देखो कभी भी सप्लाई के केस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनवॉइस इशू करते हैं, पेमेंट करते हैं, ठीक है, इनवॉइस इशू करते हैं, पेमेंट करते हैं, और इनवॉइस इशू करते हैं, पेमेंट करते हैं, और गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं, तीन ही तो केस होते हैं, सप्लाई इनवॉइस और पेमेंट, तीन ही तो केस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, एडवांस में हमेशा सर्विसेज के केस में जीएसटी लगता है, गुड्स के केस में कभी भी जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई और सर्विसेज, सर्विस के केस में आओ, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज। अब सर्विसेज के केस में अगर इनवॉइस टाइम पे इशू कर दिया, देखो इनवॉइस कब तक इशू करना है, सर्विस केस में 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करना है जिस दिन से सर्विस दे दी, 30 डेज के, जैसे गुड्स के केस में तो इमीडिएटली इनवॉइस इशू करना था, सर्विस केस में 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करना है, गुड्स केस में इमीडिएटली इनवॉइस इशू करना था ना, सर्विस केस में 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करना है, अगर 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर दिया तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी गुड्स की, फॉरवर्ड चार्ज केस में, सर्विस केस में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन इनवॉइस इशू किया या जिस दिन पेमेंट किया, जिस दिन पेमेंट मिला, फॉरवर्ड चार्ज है, जिस दिन पेमेंट मिला विच एवर इज अर्लियर, जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ, जिस दिन पेमेंट मिला, और अगर इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू नहीं हुआ, मतलब इनवॉइस अगर टाइम पे इशू नहीं हुआ, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब जिस दिन सर्विस मिली और जिस दिन पेमेंट मिला विच एवर इज अर्लियर। देखो बेसिक सी बात यह है, गवर्नमेंट ये बोलती है भाई साहब, अगर आपको वो कोई बोले कि सर मेरे को तो इनवॉइस भी नहीं मिला और पेमेंट भी बहुत लेट जाके मिला, मान लो है ना, मान लो मेरे को तो गुड्स और सर्विसेज इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं करा, तो ये थोड़ी इनवॉइस अगर टाइम पे इशू नहीं करोगे तुम तो तुम्हारी जीएसटी लायबिलिटी हम नहीं मानेंगे, लेट जीएसटी कलेक्ट करेंगे, भाई तुम सप्लाई ऑलरेडी कर चुके, अब तुम इनवॉइस इशू ही नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट बोलेगी अगर तुमने 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर देना चाहिए तुमको, अब तुम इनवॉइस इशू ही नहीं कर रहे तो हम ये मान लेंगे जिस दिन तुमने सर्विस दी और जिस दिन पेमेंट मिला, जो भी दोनों में से अर्ली है, और इनवॉइस अगर 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर दिया तुमने तो हम इनवॉइस की डेट मान लेंगे। बहुत लॉजिकल सी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, गवर्नमेंट रेवेन्यू नहीं छोड़ सकती, तुम इशू नहीं कर रहे तो फिर हम डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस मानेंगे। तो ये बोल रहा है इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम लिमिट यस और नो, अगर यस तो ये और नो तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, या डेट जिस दिन पेमेंट मिला विच एवर इज अर्लियर, और पेमेंट के केस में हमेशा दो कंडीशन होती है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज में आ जाओ। रिवर्स चार्ज में भी दो कंडीशन होंगी, दो कंडीशन क्या क्या होंगी सर, जिस दिन पेमेंट किया, जिस दिन पेमेंट किया, देखो जैसे गुड्स के केस में तीन कंडीशन थी, गुड्स मिले, यहाँ गुड्स तो है नहीं, सर्विस मिली, ऐसा नहीं होता, कंडीशन क्या है, जिस दिन पेमेंट मिला, जिस दिन पेमेंट किया, रिवर्स चार्ज है मतलब पेमेंट करेंगे, जिस दिन पेमेंट करा, किया मतलब या तो बैंक से किया या बुक्स में किया, विच एवर इज अर्लियर, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, गुड्स के केस में 31st डे था, इसमें 61st डे है सर, 61st क्यों है, क्योंकि 30 डेज तो वैसे भी इनवॉइस करने का टाइम एक्स्ट्रा दे रखा है ना सर्विस के केस में, गुड्स के केस में तो ऐसा कोई दे नहीं रहा, गुड्स के केस में तो इंस्टेंट इनवॉइस इशू करना है, सर्विस के केस में 30 डेज का तो वैसे भी एक्स्ट्रा टाइम दे रखा है, तो 30 + 31 = 61। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन इसके अंदर एक बात और थी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी जब हम क्वेश्चन कर रहे थे कि लेट सपोज रेट चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, रेट चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, इसके अंदर ऐसा है कि अगर तीन तरह के इवेंट्स होते हैं जीएसटी के अंदर, इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन इनवॉइस इशू किया, जिस दिन सप्लाई करी गुड्स और सर्विसेज की, जिस दिन पेमेंट मिला, इन तीनों के अलावा कोई केस नहीं हो सकता, इनवॉइस इशू करा, गुड्स और सर्विसेज दिया और पेमेंट रिसीव किया, बोले आप इनमें से जो भी मेजोरिटी काम, मेजोरिटी मतलब तीन में से दो, जो भी मेजोरिटी काम जिस भी रेट को हो रहा हो वो रेट ले लेंगे, सपोज करो तीन काम हो रहे थे, रेट बदल गई, दो कामों पे रेट 12% है और एक काम का 18% है, तो मेजोरिटी कामों पे 12% थी मतलब तीन में से दो पे, तो 12% ले लेंगे, और मेजोरिटी कामों पे न्यू रेट है तो न्यू रेट ले लेंगे, समझ गए, तो एनी टू इवेंट चेंज आफ्टर
चेंज इन रेट ऑफ टैक्स टू न्यू रेट और एनी टू इवेंट चेंज बिफोर रिटन टैक्स टू पुराने रेट, ठीक है। अब इसके अंदर एक बात और थी, अगर रेट बदली, देखो एक नया प्रोविजन आया था, मैंने बार बार डिस्कस किया था कि सपोज करो ओल्ड रेट से न्यू रेट हुई, ठीक है, सपोज करो ओल्ड रेट से न्यू रेट हुई, ध्यान देखो इधर इस बात पे ध्यान दो, बोले 12% से 18% रेट हो गई, 12% से 18% रेट हो गई। अब है ना, लेट्स सपोज 1 जून को इनवॉइस इशू किया, 5 जून को सप्लाई हुई गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है, 3 जून को बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर पेमेंट आया, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एंट्री करी, और अरे ना 11 जून को पेमेंट मिला, पेमेंट एक्चुअल में रिसीव हुआ, एंट्री तो 3 को ही कर ली थी लेकिन रिसीव हुआ था 11th को, ठीक है, और रेट चेंज हो गई 12 से 18% या 5 से 18%, 5% to 18% ये हो गई 6 जून को। अब आप मुझे बताओगे दो इवेंट क्या हुए, इनवॉइस भी पहले इशू हो गया और सप्लाई भी पहले हो गई, इसका मतलब रेट लगनी चाहिए थी पुरानी 5%, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बार नया लॉ लाया, गवर्नमेंट ने बोली जब से रेट चेंज हुई है मतलब 6 जून से, अगर पेमेंट रेट चेंज होने के बाद 4 दिन के अंदर आ जाता है, 4 डेज के अंदर अगर पेमेंट आ जाता है, 4 डेज के अगर पेमेंट आ जाता है ना, तो पुराना जो प्रोविजन लग रहा था वही मानेंगे, पुराना जो प्रोविजन जो अब तक चलते आ रहा था वही मानेंगे, अगर 4 डेज के अंदर पेमेंट नहीं आता है ना, तो हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो पेमेंट आया ना उस पेमेंट को कंसिडर नहीं करेंगे और सिर्फ पेमेंट की एक ही कंडीशन मानेंगे, जिस दिन पेमेंट मिला। तो ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने, अब गवर्नमेंट ने ये वाली कंडीशन मानने से इनकार कर दिया कि बोले ये कंडीशन हम नहीं मानेंगे जिस दिन अगर बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर पेमेंट मिला, अगर 4 दिन के अंदर पेमेंट नहीं आया तो, 4 दिन के बाद आया तो। अब इस केस में क्या हुआ, 2 इवेंट बाद में हो गए, डेट कब से बदली थी, 6 जून से डेट बदली थी, और मान लो देखो ये इसको 7 जून कंसिडर कर लो, 1 जून को इनवॉइस हुआ, 7 जून को सप्लाई हुई, 3 जून को बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हुई। अब देखा जाए तो पुराने वाले केस में तो क्या था, 2 इवेंट पहले हो गए, एक 1 जून को हो गया, 3 जून को हो गया, तो पुरानी डेट लगनी चाहिए थी, ठीक है। तो अपन ने, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला नया प्रोविजन लाके कि भाई 4 डेज के अंदर अगर पेमेंट नहीं किया तो 6 जून से और 11 जून, 4 दिन के अंदर पेमेंट नहीं आया तो ये कंडीशन हटा दी। अब दोनों इवेंट बाद में हो गए, सप्लाई भी बाद में हो गई और पेमेंट भी बाद में मिला, 2 इवेंट बाद में हो गए, तो अब इस केस में रेट नहीं लग जाएगी 18%। गवर्नमेंट ने इसलिए किया क्योंकि गवर्नमेंट को इससे GST का बेनिफिट मिले, इसलिए गवर्नमेंट ने ये किया, ठीक है, चीज क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट था, बाकी काम खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, क्वेश्चन इसके मैंने लेटेस्ट अभी के अभी 2 दिन पहले ऐप पे कराए सारे क्वेश्चन, वो आप देख लूँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। कंटिन्यू सप्लाई के भी मैंने क्वेश्चंस कराए, कंटिन्यू सप्लाई के क्वेश्चन ज़्यादा आसान ही है, कोई टफ नहीं है, सारे क्वेश्चंस कराएं आपको समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार आप देख, सर रेट ऑफ चेंज होने से पहले क्या ये कंपलसरी कि एंट्री पहले हो जानी चाहिए तभी ये प्रोविज़न एप्लीकेबल होगी? देखो प्रोविज़न ये है कि अगर पेमेंट रेट चेंज हो जाने के बाद अगर 4 डेज के अंदर अगर पेमेंट आ जाता है ना, 4 डेज के अंदर पेमेंट आ जाता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो में जो डेट है ना उसको तो काट देंगे, मतलब अगर 4 डेज के बाद पेमेंट आता है ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्री करें ना उसको कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ पेमेंट का एक ही कंसिडर करेंगे जिस दिन पेमेंट एक्चुअल में रिसीव हुआ, और अगर 4 डेज के अंदर पेमेंट आ जाता है तो बुक्स में पैसा आया या एक्चुअल में जो मिला व्हिचएवर इज अर्लियर मान लेंगे, और अगर 4 डेज के बाद आया तो व्हिचएवर इज अर्लियर नहीं मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ जब एक्चुअल में मिला तभी मानेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने 2-3 बार करा दिया, क्वेश्चन नंबर 8 को, अच्छा क्वेश्चन था ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके, प्रिंटिंग ऑफ बुक, प्रिंटिंग ऑफ एनवेलप, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था लास्ट वाला, ये सब हम कर चुके, ठीक है, शुरू करते हैं। 4 डेज कहाँ से देखना है, 4 डेज रेट ऑफ चेंज ऑफ टैक्स, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा है, मैं बार बार चिक चिक के कह रहा हूँ, मिस्टेक पॉइंट है ये कि लोग गलती से दूसरी जगह देख लेंगे, जिस दिन रेट बदल रही है ना उस दिन से 4 डेज देखने हैं,
रेट ऑफ चेंज ऑफ टैक्स से 4 डेज देख रहे हैं, ठीक है सर। बुक में एंट्री होना जरूरी है पहले? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि लॉ के अंदर ये लिखा है अगर एंट्री नहीं है तो बहुत ही बढ़िया, एंट्री है अगर 4 डेज के बाद पेमेंट आया तो उस एंट्री वाली डेट को कंसिडर नहीं करेंगे, उसको काट देना आप मन में काट देना, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में क्या होगा? गुड्स की तो बात करी ना, गुड्स की बात नहीं चल रही है, नहीं क्या बोल रहे हो? सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में क्या होगा? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आ गए। बैंक सर्विस देती है जैसे लॉकर फैकल्टी, पर हमें कोई इनवॉइस इशू नहीं करती। पिंकी शॉप, अरे वो आपके ट्रांजैक्शन को ऐड कर देती है, आपके उसमें से पैसे कटने लग जाते हैं, आपके अकाउंट में से पैसे कटने लग जाते हैं। आप भी अभी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, ये सब रेगुलर क्लास देख लो, अगर ये सब आपको पूछना है ना सारे डाउट क्लियर है रेगुलर क्लास के अंदर, काफ़ी डिस्कशन किया है अपन ने, अभी एग्जाम का टाइम है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें देखो, बाकी रेगुलर क्लास देखो, किसी भी तरह का डाउट है पर्सनली पूछ लेना। चेंज वाला दिन गिनना है या नहीं गिनना? 4 दिन के अंदर पेमेंट आया 7, 8, 9, 10, चेंज वाला दिन नहीं गिनना, अगले दिन से काउंट करना है 4 डेज। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई खत्म। इसमें स्पेशल जो क्वेश्चन आता था ना, वो चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स, चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स में आता था, उसका मैंने आपको एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है वो, उसका एक तरीका सिखा देता हूँ आपको। देखो, 3 इवेंट दे रखे हैं, सप्लाई, इश्यू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट। मैंने ऐसे बताया दोनों में से जो भी इवेंट पहले, दोनों में से अगर 2 इवेंट पहले हो रहे हैं तो पुरानी रेट लगेगी, और 2 इवेंट बाद में हो रहे हैं तो नई रेट लगेगी, ठीक है। अब सर 2 इवेंट पहले हो रहे हैं, मान लो सप्लाई भी पहले हो रही है और इन्वॉइस भी इशू पहले हो रहा है, तो डेट कौन सी ले? टाइम ऑफ सप्लाई कौन सी डेट की माने, इन्वॉइस की माने या सप्लाई की माने? तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अभी बता देता हूँ। सप्लाई की डेट को हमेशा कंसिडर नहीं करना, काट दो इसको, सप्लाई की डेट को कभी भी कंसिडर ही मत करो। इसका मतलब अगर 2 इवेंट पहले हो रहे हैं, एक सप्लाई है और एक रिसीट ऑफ पेमेंट है, सप्लाई की डेट को कंसिडर मत करो, डेट आ जाएगी रिसीट ऑफ पेमेंट की। जैसे 2 इवेंट पहले क्या क्या हो रहे हैं, इसके अंदर सप्लाई भी हो रही है, इन्वॉइस भी इशू हो रहा है, दोनों पहले हो रहे हैं, तो इसका मतलब अब डेट तो पुरानी वाली लगेगी, मतलब सप्लाई और इश्यू ऑफ इनवॉइस में जो डेट थी ना वही लगेगी। अब दोनों में से टाइम ऑफ सप्लाई सप्लाई की माने या इश्यू ऑफ इनवॉइस की माने, तो सप्लाई को कभी भी, सप्लाई को हमेशा इग्नोर कर दो, तो डेट मानेंगे इश्यू ऑफ इनवॉइस की। दूसरा केस है, जैसे मान लो सप्लाई भी पहले हो रही है और पेमेंट भी पहले आ रहा है, तो इसका मतलब पुरानी डेट लगेगी। अब डेट किसकी माने, रिसीट ऑफ पेमेंट की माने सप्लाई की? सप्लाई को इग्नोर कर दो, डेट मान लो रिसीट ऑफ पेमेंट की। अब सप्लाई बाद पहले हो रही है और दोनों इवेंट बाद में हो रहे हैं, दोनों इश्यू ऑफ इनवॉइस भी बाद में हो रहा है, पेमेंट भी बाद में मिल रहा है, दोनों ही आफ्टर आफ्टर है ना ये, तो विच एवर इज अर्लियर? सप्लाई को इग्नोर करना है और सप्लाई के अलावा विच एवर इज अर्लियर, सप्लाई को इग्नोर करना है और सप्लाई के अलावा विच एवर इज अर्लियर। इस केस में, इस वाले केस में सप्लाई पहले और इश्यू ऑफ इनवॉइस भी पहले, इसका मतलब रेट तो इन दोनों में से लगेगी, तो सप्लाई को इग्नोर करना है, डेट आ जाएगी इश्यू ऑफ इनवॉइस, ठीक है। ये आफ्टर और आफ्टर, सप्लाई को इग्नोर करना है, डेट आ जाएगी रिसीट ऑफ पेमेंट, ठीक है। सर आप ITC के क्वेश्चन करा रहे थे ना, ITC के क्वेश्चन ऐप पे मिलेंगे आपको, यहाँ नहीं मिलेंगे, ठीक है। आई होप ये चैप्टर क्लियर है, ये सप्लाई वाला, रेट ऑफ चेंज इन टैक्स वाला है, इससे आसान तरीका कोई तरीका नहीं हो सकता रेट ऑफ चेंज निकालने का, क्लियर है। मानशु जैन, मैंने आपको बता दिया ITC के क्वेश्चन ऐप पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे? आधा ITC पूरा हो चुका, कल तबीयत खराब थी इसलिए नहीं लिया, कल परसों में पूरा ITC लेके इसमें सारे क्वेश्चन करा देंगे। बट इनवॉइस विद इन 30 डेज इशू नहीं हुआ, उस केस में कंप्लीशन ऑफ सर्विस लेते हैं। ये मैं चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स की बात कर रहा हूँ, मैं इनवॉइस 30 डेज में इशू हुआ या नहीं हुआ उसकी बात नहीं कर रहा। ये इनवॉइस, ये चेंज ऑफ रेट की बात चल रही है कि कौन सी डेट मानेंगे, किस दिन टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे भाई, ये उस चीज़ की बात चल रही है। ये बोल रहा है ज़्यादा डीप में मत जाओ, सिंपल सी बात है, GST के अंदर 3 इवेंट होते हैं, अगर रेट बदल गई, 2 इवेंट पहले होंगे या 2 इवेंट बाद में होंगे, 2 इवेंट अगर पहले हुए तो पहले वाली रेट लगेगी, 2 इवेंट बाद में हुए तो बाद वाली रेट लगेगी, लेकिन 2 इवेंट हुए ना तो दोनों की अलग अलग डेट है, इनवॉइस की अलग डेट है, सप्लाई की अलग डेट है, तो डेट कौन सी मानेंगे? तो मैंने बता दिया सप्लाई को इग्नोर करना है और बाकी दो में से विचेवर अर्लियर लेके चलना है, बात खत्म।
सारे क्वेश्चन हम ऐप पे कर चुके हैं, एक एक क्वेश्चन डीप में जाके क्वेश्चन क्लास वैसे मैं कराऊंगा, जितने भी आरटीपी एमटीपी लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, दो तीन अटेम्प्ट के सारे आरटीपी एमटीपी और क्वेश्चन पेपर सब करा दूंगा 3-4 घंटे में। बात ऐसी है, बाकी पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन करो समझ में आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन रेगुलर क्लास में कराए हैं और अलग से क्वेश्चन की क्लास भी ली है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया ऐप पे जाओ, AKG 10 कोड डालो, AKG 10 कोड डालो और क्लास देखो, जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लेक्चर देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने वैक्सीन लगवा ली, परसों ही लगवाई है इसलिए बीमार हो गया था। अभी भी फीवर हो रखा है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर खत्म। ठीक है, अब अपना क्या क्या हो गया, प्लेस हो गया, वैल्यू हो गया, टाइम हो गया, अब क्या उठाऊं, एग्जम्पशन और सप्लाई। एग्जम्पशन अगले, एग्जम्पशन अगले, देखो अगले 10 से 15 मिनट में एग्जम्पशन खत्म करा दूंगा, क्योंकि एग्जम्पशन का अभी अभी रिविजन लिया था मैंने, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे एग्जम्पशन को, काम काम के एग्जम्पशन पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब एग्जम्पशन लूँ या क्या कराऊँ, पहले पहले या तो देखो एग्जम्पशन पढ़ा देता हूँ, या फिर ये वाले जो चैप्टर है ना मॉड्यूल 3 के, इनको मैं 1 घंटे के अंदर सारे चैप्टर रिवाइज करा दूंगा, 1 घंटे के अंदर सारे चैप्टर रिवाइज करा दूंगा। कंपोजिशन स्कीम अभी पढ़ाया था मैं, पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सौम्या एग्जम्पशन, शिखर कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन और रजिस्ट्रेशन साथ में पढ़ाएंगे। देखो एग्जम्पशन ले लेते हैं, ठीक है एग्जम्पशन ले लेते हैं, फिर कंपोजिशन और रजिस्ट्रेशन साथ में ले लेंगे और फिर मॉड्यूल 3 उठा लेंगे। हाँ ITC ऐप पे कराएंगे भाई, हिमांशु जैन कितनी बार बोलूँ यार आपको, आओ ITC नहीं होगा आज, ITC कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो हवा हवा में करा दो, ITC का पूरा लेक्चर और क्वेश्चन आपको ऐप पे मिलेंगे। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज का TOS समझा दीजिए, कंटिन्यूस सप्लाई के अंदर क्या होता है। देखो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है तो कभी भी 30 डेज देखेंगे नहीं, कभी भी 30 डेज नहीं देखेंगे, कभी भी 30 डेज नहीं देखेंगे कंटिन्यूस सप्लाई के केस में। ठीक है, क्या होता है, जिस दिन पेमेंट आपको मिलना चाहिए था या पेमेंट की ड्यू डेट थी और जिस दिन आपको स्टेटमेंट मिला, दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा ना वो ले लेंगे। कभी भी ये नहीं, जो भी आपकी पेमेंट की ड्यू डेट थी या जिस दिन पेमेंट मिला, ड्यू डेट और पेमेंट और जिस दिन आपको इनवॉइस सक्सेसिव आपको इनवॉइस मिला, जिस दिन आपको स्टेटमेंट मिला। सपोज अपन ने क्वेश्चन भी करा था ऐप पे कंटिन्यूस सप्लाई का, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो, 5 5 अगस्त 5 सितंबर इस तरह का क्वेश्चन था, आप देखिएगा बहुत इजीली हो जाएगा। अभी प्रोविजन इतना है कि पेमेंट जिस दिन हुआ या उसकी ड्यू डेट थी ना और जिस दिन स्टेटमेंट मिला, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा वो कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस मान लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जम्पशन, एग्जम्पशन फ्रॉम GST, ये लास्ट डे रिविजन हैं जो बिल्कुल एट द एंड हमें करके एकदम नंबर लाने हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, एग्जम्पशन ये मॉड्यूल में बहुत ही खराब दे रखा है, एग्जम्पशन काफी सारे पेजेस हैं, 170 पता नहीं कितने पेजेस दे रखे हैं, 138 पेजेस दे रखे हैं, मैंने नोट्स बना रखे हैं, नोट्स खोलता हूँ मैं, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, एग्जम्पशन आ जाओ। हिमांशु जैन 10 आवर्स में भी नहीं हो सकता GST, नहीं हो सकता तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो रेगुलर पढ़ते हैं उनका 4 घंटे में हो सकता है, 5 घंटे में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वरना तो 4 महीने में भी नहीं होगा। आओ एग्जामिनेशन पे आ जाओ फटाफट, फटाफट एग्जामिनेशन खत्म कर। अप्रॉक्स क्लास कब तक है, आओ एग्जम्पशन के नोट्स एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स हैं, 28 पेजेस के नोट्स हैं जिसमें पूरा एग्जम्पशन कवर्ड है। इसके बाद एग्जम्पशन की उम्मीद 95% तो लगती नहीं है, 5% कुछ अलग से पूछ लें तो बात करते हैं। ठीक है, एग्जम्पशन फ्रॉम GST।
एग्जाम्पशन देखो बेसिक सी बात है, जीएसटी के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ करने का राइट किसके पास होता है? जीएसटी काउंसिल के पास होता है। जीएसटी के अंदर जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो जीएसटी काउंसिल लेती है। तो एग्जाम्पशन भी कौन देगा? एग्जाम्पशन भी जीएसटी काउंसिल ही देगा। एग्जाम्पशन कौन देगा? जीएसटी काउंसिल देगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। दो तरह की एग्जाम्पशन होती है, जनरल एग्जाम्पशन और स्पेसिफिक एग्जाम्पशन। जनरल एग्जाम्पशन जो हर जनता के लिए होती है, एक नोटिफिकेशन निकाल के जनरल एग्जाम्पशन दे दी जाती है। स्पेशल एग्जाम्पशन क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट में होती है स्पेशल एग्जाम्पशन। जनरल एग्जाम्पशन भी पब्लिक इंटरेस्ट में होती है। ठीक है, पब्लिक जनरल एग्जाम्पशन भी क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट में होती है, और स्पेशल एग्जाम्पशन भी पब्लिक इंटरेस्ट में होती है। दोनों के केस में स्पेशल नोटिफिकेशन निकालते हैं, लेकिन स्पेशल एग्जाम्पशन में क्या होता है कि स्पेशल ऑर्डर आता है। सपोज मैंने एग्जाम्पल दिया था कि विराट कोहली को एक कार इम्पोर्ट करनी थी, विराट कोहली को कार गिफ्ट की थी। मान लो विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में कोई, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने विराट कोहली को कार गिफ्ट कर दी। ठीक है, अब कार इंडिया में आई, कस्टम ड्यूटी लग गई, मानो 100% जीएसटी लग रहा है उस पर, IGST लग रहा है। विराट कोहली ने कार लेने से मना कर दिया। पब्लिक, अब क्या मीडिया में खबर फैल जाएगी कि विराट कोहली ने कार लेने से मना किया? इट विल बी अ इंडिया के लिए तुक की बात होगी, मतलब एक तरीके से बेकार बात होगी। तो गवर्नमेंट ने, सचिन के केस में हुआ था, फरारी वाले केस में, तो गवर्नमेंट ने स्पेशली एग्जम्पशन निकाल दिया था कि भाई इस केस में अपन गवर्नमेंट कोई चाहे तो पर्टिकुलर एग्जम्पशन निकाल सकती है, उसको बोलते हैं स्पेशल एग्जम्पशन। रिफंड अब लेंगे, ठीक है, रिफंड अब लेंगे इसके बाद। रिफंड स्पेशल एग्जेम्पशन, स्पेशल एग्जेम्पशन मैंने आपको बता दिया। तो अब एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन और कंडीशनल एग्जेम्पशन। एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन मतलब लेनी लेनी है, कंडीशनल मतलब अगर आपने वो कंडीशन फुलफिल कर दी तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये कोई काम का नहीं है ज़्यादा। अब ध्यान सुनो क्या क्या काम की चीज़ें हैं। पहले आओ, सर्विस रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। रिलीजियस और चैरिटेबल जो एक्टिविटीज है ना, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्शन 12AA। अब सर, रिलीजियस और चैरिटेबल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ध्यान से सुनो मेरी बात। पहली बात तो सेक्शन देखो, कोई भी एंटिटी जो सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है ना, सेक्शन 12AA में, वो इनकम टैक्स वाला 12AA। ठीक है, सर्विसेज बाय एन एंटिटी अंडर सेक्शन 12AA। ठीक है, चैरिटेबल एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? पहली बात तो सेक्शन 12AA में आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब क्या सारी जितनी भी एंटिटीज जो 12AA में रजिस्टर्ड है उनको एग्जम्पशन मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये नीचे दी हुई इस तरह की एक्टिविटीज अगर होंगी ना तो ही, नीचे इस तरह की एक्टिविटीज दी हुई होंगी ना तो ही इसके अंदर आएंगी, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है, अब क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं चैरिटेबल एक्टिविटीज में, ध्यान से सुनो। पहली बात तो सेक्शन 12AA किस पे लगेगा? चैरिटेबल चैरिटेबल एंटिटीज, चैरिटेबल एक्टिविटीज अगर करते हो आप, सेक्शन 12AA के अंदर सारी एंटिटीज पे ये नहीं लगेगी एग्जम्पशन। कुछ कुछ एक्टिविटीज दे रखी है उन्हीं पे एग्जम्पशन लगेगी। हम इसको बहुत इन डेप्थ पढ़ चुके हैं, बहुत इन डेप्थ पढ़ चुके हैं, बस इसको फटाफट से रिवाइज करा के आगे बढ़ेंगे। चैरिटेबल एक्टिविटीज का क्या मतलब होता है? जैसे होता है ना चैरिटेबल एक्टिविटी, बाबा रामदेव, बाबा इस तरह के, क्या नाम था वो, आशाराम बाबू, और इस तरह के जो बाबा लोग होते हैं ना। तो अब मैंने इसको याद करने की ट्रिक बताई थी, पब्लिक हेल्थ केयर और काउंसलिंग, लाइक इल पर्सन, पर्सन विद सीवियर, मैं बोलते हैं ना, इस तरह के लोग बोलते हैं ना कि हम आपका HIV/AIDS दूर करवा देंगे, अगर आप दिमागी हालत ख़राब है आपकी तो हम वो भी सही करवा देंगे, अगर आपको नशे की लत है तो हम वो भी छुड़वा देंगे आपको, और हम आपकी फैमिली प्लानिंग के टिप्स भी दे देंगे आपको। तो बाबा लोग इस तरह की चीज़ें बताते हैं ना। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ, अब ध्यान से सुनो, चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर चार एक्टिविटीज आएंगी। पहले तो अपन ने पढ़ लिया जो HIV वाले लोग हैं, एड्स वाले लोग हैं, जो जो पर्सन जो मेंटली डिसेबली है, जो नार्को ड्रग्स वगैरह लेते हैं, या फिर जिनको पब्लिक अवेयरनेस और प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, इस तरह की चीज़ें करनी हो वो हेल्प कर देंगे। दूसरा, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, योगा वगैरह की एक्टिविटीज बाबा रामदेव ये सब करवाते हैं, तो ये 12AA के अंदर आ जाएगा। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी कि कोई भी पर्सन जिसकी एज 65 से ऊपर है ना, लेकिन वो गाँव में रहता हो। देखो, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम का क्या मतलब होता है कि कोई भी इस तरह के चैरिटेबल एक्टिविटीज है ना, क्या कर रही है ये कि बोले स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है। किन लोगों के लिए? कि बोले कोई छोटे गरीब, पूरा गरीब, और वो होते हैं ना होमलेस चिल्ड्रन है, उन लोगों के लिए, फिजिकली और मेंटली अब्यूज पर्सन जो होते हैं, बोले इन लोगों को स्किल्स कौन देगा? तो बोले कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट अगर इस तरह की चीज़ें करती है तो वो भी एग्जम्पशन है। आप ध्यान से सोचो, एग्जम्पशन में कुछ भी नहीं है, जो भी जनता के भले के लिए है ना वो एग्जम्प्ट कर रखा है सरकार ने, जो भी जनता के भले के लिए है ना वो एग्जम्प्ट कर रखा है सरकार ने। ठीक है, जो भी जनता के भले के लिए। तो अभी तक अपने क्या क्या पढ़ा? एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। योगा वगैरह पे टैक्स थोड़ी लगाएंगे। अगर कोई कोई चैरिटेबल एक्टिविटी इस तरह की सर्विस देती है, कोई बीमार पर्सन उसको सही करना, उसका HIV/AIDS वगैरह हेल्प चाहिए, सही वही करना हो, इलाज इलाज करना हो, कोई एडिक्टेड और ड्रग्स वगैरह को, तो वो ठीक है उसको छुड़वाने का काम हो, और पर्सन अवेयरनेस, फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंटिव हेल्थ वगैरह की चीज़ें हो ना, वो अगर करती हूँ। दूसरा, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। इस अब एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, उस पर GST थोड़ी लगाएंगे। फिर मैंने आपको बताया था क्या ये एक्टिविटीज़ हो गई, ये एक्टिविटीज़ हो गई, इस पर GST लगेगा। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ हो गई, इस पर GST
मैंने आपको बता दिया ये ठीक है, ये एक्टिविटीज हो गई, इस पर GST लगेगा, आप ध्यान से सुनोगे। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर आप किसी होटल के अंदर जाते हैं, आप किसी होटल के अंदर जाते हैं तो अगर आपने 1000 रुपीज तक का अमाउंट पे किया है ना, 1000 रुपीज तक का अमाउंट एग्जम्प्ट है, 1000 रुपीज भी है तो भी एग्जम्प्ट है। पिछले साल तक 999 था लेकिन इस साल 1000 कर दिया। तो चैरिटेबल ट्रस्ट अगर कोई हॉस्टल की सर्विस देता है, अगर चैरिटेबल ट्रस्ट भी अगर हॉस्टल की सर्विस देता है ना, तो देखो हाउ वेयर अकोमोडेशन अप टू 1000 रुपीज पर डे। देखो हाउ वेयर अकोमोडेशन सर्विसेज इन हॉस्टल इंक्लूडिंग सच सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई अप टू 1000 रुपीज पर डे, तो वो भी एग्जम्प्ट है। ठीक है, तो वो भी एग्जम्प्ट है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। अगर 1000 रुपये तक है तो GST नहीं लगेगा, 1000 रुपये तक है तो GST नहीं लगेगा। ठीक है, होटल और हॉस्टल के केस में 1000 रुपये तक GST नहीं लगेगा। 999 है तो भी एग्जम्प्ट है, 1000 है तो भी एग्जम्प्ट है, 1001 है तो टैक्सेबल है। ठीक है, लेकिन रिलीजियस सर्विसेज लाइक सपोज क्या होता है, कोई पंडित को आपने पैसे दिए, आपका हवन हुआ, आपके घर में कुछ भी इस तरह की सर्विसेज हुई, रिलीजियस सर्विसेज हुई, तो आपको GST देना पड़ेगा। अगर कब देना पड़ेगा, अगर आपने रिलीजियस एक्टिविटीज, देखो रिलीजियस एक्टिविटीज ध्यान से सुनो, रिलीजियस एक्टिविटीज पे वैसे कोई GST लगता नहीं, पंडित को कितने रुपये का पेमेंट कर दो कोई GST नहीं लगता। ठीक है, लेकिन आपको मान लो बहुत बड़ा रिलीजियस कोई कैंप लग रहा है, मतलब रिलीजियस किस तरह का कोई काम हो रहे हैं, कुंभ का मेला लग रहा है, कुछ हो रहा है, और वहाँ पे आप रूम रेंट पे ले रहे हो, रूम का किराया अगर 1000 रुपीज है उससे ज़्यादा है, मतलब अगर 1000 रुपीज भी है ना, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, मैं बार बार कहता हूँ, अगर होटल 1000 रुपये का है ना 1000 का तो एग्जम्प्ट है, हॉस्टल 1000 का है तो एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर रिलीजियस प्लेस पे रूम 1000 रुपीज का है ना वो टैक्सेबल है। इस तरह के क्वेश्चन MCQ के अंदर दिक्कत आ सकती है। क्या मस्त पढ़ाते हो सर आप, थैंक यू सर। इस अटैम्प में 999 को 1000 कर दिया है क्या, इस अटैम्प में नहीं किया प्रीवियस का बता। अभी तक क्या क्या मैंने बताया, अगर सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस प्लेस में 999, रिलीजियस प्लेस में अगर कुंभ का मेला है और कुंभ के मेले में अगर आपने 1000 रुपीज़ का रूम लिया ना तो टैक्सेबल है, लेकिन अगर होटल लिया 1000 का या हॉस्टल लिया 1000 का तो एग्जम्प्ट है। ठीक है, रेंटिंग ऑफ रूम वेयर चार्जेस आर 1000 और मोर, ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे डाल के देख लेना, अकेडमी से पहले टेलीग्राम चैनल में, बाकी बच्चे लिंक डाल दो आप, उसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, एग्जम्पशन के इससे बेस्ट नोट्स मिल नहीं सकते। रेंटिंग ऑफ रूम वेयर एग्जाम, आपके दिमाग में यही सोच के नोट्स बनाए कि आप अगर एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ रहे होंगे तो क्या पॉइंट होगा आपके दिमाग में और आप किस तरीके से देख रहे होंगे। रेंटिंग ऑफ रूम वेयर चार्जेस आर 1000 रुपीज और मोर पर डे। रेंटिंग ऑफ प्रमाइसिस कम्युनिटी हॉल कल्याण मंडपम, सपोज करो कोई शादी हो रही है, ठीक है, तो अगर अब ये 10,000 रुपीज़ का पर डे का अगर आपका है, 10,000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा, 10,000 है तो भी टैक्सेबल है, 10,000 या उससे ज़्यादा का कल्याण मंडपम मतलब शादी वगैरह का कोई काम हो रहा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है, 10,000 या उससे ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि 10,000 है तो 1 रुपये भी GST लगा दो, 10,500 है तो 500 रुपये भी GST लगा दो, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अगर 1 रुपये से भी एक्सीड कर जाता है तो। रेंटिंग ऑफ रूम 1000 या उससे ज्यादा पर डे की बात चल रही है और कल्याण मंडपम पर डे की बात चल रही है। दूसरा, रेंटिंग ऑफ शॉप पर मंथ की बात चल रही है, 10,000, शॉप हमेशा पर मंथ की ली जाती है, लेकिन पर डे की ली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर सर्विसेज बाय कोई हज यात्रा वगैरह करा रहे हैं, अमरनाथ की यात्रा करवा रहे हैं, कैलाश पर्वत की यात्रा करवा रहे हैं, वो भी एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, ये 1000 वाला केस मैंने स्पेशली चार्ट बना के कराया था रेगुलर क्लास के अंदर। 1000 के केस में मैंने आपको बताया था सिर्फ रिलीजियस पर्पज वाले पे टैक्सेबल होगा, बाकी दोनों केस में एग्जम्प्ट होगा, हॉस्टल और होटल पे। ठीक है, 90 इसमें बोलते हैं कि आप ओल्ड एज होम, अपने जैसे कई बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में छोड़ जाते हैं, तो गवर्नमेंट ये बोलती है एक बूढ़े आदमी का खर्चा 25,000 रुपीज़ पर मंथ मान के चलती है गवर्नमेंट, तो बोलते हैं अगर उसका खर्चा 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा होता है, अगर 25,000 रुपीज़ तक ओल्ड एज होम को पे कर रहे हैं तो कोई GST नहीं लगेगा, 25,001 रुपीज़ भी हो गया तो पूरे अमाउंट पे GST लगेगा, इसका मतलब है 25,000 रुपीज़ तक नो GST, उसके बाद पूरे पे GST। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, सपोज करो आप बाबा रामदेव के आश्रम में योगा सीखने गए और कोई मान लो योगा सीखने गए या कुछ कोई कुंभ का मेला लग रहा था, कुछ भी इस तरह की रिलीजियस एक्टिविटी हो रही थी और आप वहाँ पे रुके भी, तो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई वाला केस लग जाएगा कि आपने योगा भी सीखा और आप रुके भी या आपने रिलीजियस एक्टिविटी भी गए, आप रिलीजियस वहाँ पे रुके भी और आपने इस तरह का काम मतलब आपने जगह भी ली, खाना भी खाया और आपका मेन काम था योगा या रिलीजियस एक्टिविटी, इस तरह की चीज़ें थी,
तो भाई प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, योगा या रिलीजियस एक्टिविटी। तो अगर प्रिंसिपल सप्लाई पे टैक्स नहीं है तो इन भी सप्लाई पे टैक्स नहीं होगा। इसका मतलब ध्यान से सुनो, सपोज करो आप किसी रिलीजियस प्लेस पे गए, आपने रूम लिया, मेन सप्लाई क्या थी आपकी, रिलीजियस प्लेस की सप्लाई। इस तरह के क्वेश्चन वैसे पूछते नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए। मेन सप्लाई क्या थी आपके, रिलीजियस जगह पे रुकना। तो प्रिंसिपल और कंपोजिटर मिक्स सप्लाई के केस में आ जाएंगे। कंपोजिट सप्लाई केस में, इस केस में जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, रुकना, जिस पे ऑलरेडी जीएसटी नहीं लगता। तो खाने पे भी नहीं लगेगा और रुकने पे भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप खाना और रुकना तो इसलिए कर रहे हो जिससे आपको रिलीजियस चीज़ें या योगा की चीज़ें आप सीख सको। ठीक है, सपोज करो आप हरिद्वार गए और आपको बाबा रामदेव के आश्रम में रुक, आपको घूमने के लिए गए और आप बाबा रामदेव के आश्रम में रुक गए, उस केस में 1,000-10,000 वाली लिमिट लग जाएगी। लेकिन नॉर्मल अगर कंपोजिट सप्लाई वाला केस है तो नहीं लगेगी। ठीक है, मैंने आपको रेगुलर क्लास के अंदर भी बताया था। प्रतीक्षा जैन, योर टीचिंग स्टाइल इज अमेजिंग, मैंने आपके सारे लेक्चर देखे हैं, यू मेड आईडीटी वेरी इजी, थैंक यू सो मच, आगे बढ़ो। चलो, रेंटिंग ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी इन होटल सर्विसेज, वही बता दिया आपको, 1,000 रुपीज तक एग्जाम्प्ट है, उसके बाद टैक्सेबल है। इस केस में ऐसा पूछ सकते हैं कि होटल का रूम का रेंट है मान लो 5,000 रुपीज और डिस्काउंट काट के 1,000 कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी जेब से 1,000 रुपीज जाने चाहिए। 1,000 रुपीज तक एग्जाम्प्ट है, 1,000 रुपीज से 1 रुपये ज़्यादा होते भी पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। सर मैंने 1,000 रुपीज का रूम का रेंट था, 800 रुपीज का, और खाना खा लिया, पूरा वैल्यू आया बिल का, बिल का टोटल अमाउंट था 1,001 रुपीज़, 1,050 रुपीज़, 1,100 टैक्सेबल हो जाएगा। होटल वाले को अपने एक्स्ट्रा बेड लगवा लिया होटल के अंदर, टैक्सेबल, बिल कैसे भी बढ़ गया तो टैक्सेबल हो जाएगा। हेल्थ केयर सर्विसेज पे आ जाओ, अदर देन होल टाइम डायरेक्टर बैंक को कंपनी के लिए गारंटी देता है तो टैक्सेबल है या नहीं। काम की बातें पूछना जो जो भी पढ़ा रहा हूँ, कि पर्सनली या टेलीग्राम चैनल में पूछ लिया करो, क्योंकि सारे बच्चों का टाइम खराब होगा यहाँ पे। फिर हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज क्या बोलता है सर, 999 की लिमिट होटल वाले पे होगी क्या, नहीं होगी। होटल 1,000 एग्जम्प्ट होगा, हॉस्टल 1,000 एग्जम्प्ट होगा, रिलीजियस प्लेस 999 तक एग्जम्प्ट है, 1,000 पे टैक्सेबल है। क्लियर है कि नहीं ये चीज़। मैं अब तक जब से 1 महीने के अंदर जीएसटी पढ़ा रहा हूँ ना, 1 महीने से बाद कम से कम 10 से 12 बार रिपीट कर चुका, जो भी रेगुलर बच्चे हैं उनको तो पता हो गया। ठीक है सर, क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। हेल्थ केयर सर्विसेज पे आ जाओ, हेल्थ केयर सर्विसेज किस किस पे जीएसटी मिलेगी, इंपॉर्टेंट है, जो जो मैंने हाईलाइट कर रखे ना वो एग्जाम में आने की पूरी पूरी उम्मीद है। कोड ब्लड बैंक सेल, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल, ये सब पूछते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होती है, हेल्थ केयर सर्विसेज 3 तरह की होती है, क्लिनिकल, देखो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, पैरामेडिक्स। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट जैसे अपने कोई प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर एक क्लिनिक में खोल के बैठ जाते हैं, पैरामेडिक्स क्या होते हैं, ये नर्स कंपाउंडर इस तरह को बोलते हैं पैरामेडिक्स। तो बोले अगर पेशेंट को लाने ले जाने की सर्विस देते हैं एम्बुलेंस की, तो एम्बुलेंस आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा, एग्जैक्ट है। हेल्थ केयर सर्विस के अंदर क्या क्या आ सकता है, 7 तरह के हेल्थ केयर सर्विसेज हैं जो हेल्थ केयर सर्विस के अंदर आ सकते हैं। 7 तरह की सर्विसेज क्या क्या है, ध्यान से सुनो, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर, इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, अबनॉर्मलिटी और प्रेगनेंसी। इसका हमने रेगुलर क्लास के अंदर शॉर्ट फॉर्म बनाया था, वो क्या था, अब वैसे ही याद कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। डायग्नोसिस कराया, ट्रीटमेंट कराया, इलनेस कराई, इंजरी कराई, इस तरह की चीज़ें होगी ना, बहुत बेसिक चीज़ें आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इन्हीं को हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है, पेशेंट को लाने और ले जाने की एम्बुलेंस सर्विस एग्जेम्प्ट है, और डायग्नोसिस कराई, ट्रीटमेंट कराई, इलनेस हुई, इंजरी हुई, प्रेगनेंसी हुई, एबनॉर्मलिटी हुई, सब एग्जेम्प्ट है। ठीक है, लेकिन हेल्थ केयर के अंदर अगर आपने अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराए, कॉस्मेटिक कराई, प्लास्टिक सर्जरी कराई अच्छा दिखने के लिए, प्रियंका चोपड़ा ने अपने लिप्स की सर्जरी कराई, वीरेंद्र सहवाग अपने बालों की सर्जरी कराएंगे तो टैक्सेबल होगा, एग्जाम नहीं होगा। हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे सपोज एलोपैथी, योगा, आयुर्वेद, यूनानी, ये सब हेल्थ केयर के अंदर आता है। फिर ऐसा था, रेंटिंग ऑफ रूम प्रोवाइडेड टू इन पेशेंट, पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर रुकने आया, खाना भी खा रहा है, रूम भी ले रहा है। मेन सर्विसेज क्या है, इलनेस, इंजरी। पेशेंट ऐसा थोड़ी है कि भाई हॉस्पिटल में खाना खाने आएगा या रुकने ही आएगा, उसकी मजबूरी इसलिए रुक रहा है, तो कंपोजिट सप्लाई का केस हो जाता है। कंपोजिट सप्लाई का केस हो जाता है तो प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी हुई इसके अंदर, इलनेस, इंजरी, जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता, तो ना खाने पे टैक्स लगेगा ना रुकने पे टैक्स लगेगा। लेकिन आप आउटडोर पेशेंट हो या आप किसी ऐसे पे आपका कोई पेशेंट है जो एडमिट है, उसके खाने पे तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन आपको भी खाना खाना पड़ रहा है तो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि आपका कंपोजिट सप्लाई नहीं है, लेकिन जो पेशेंट है उसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आप आउटडोर पेशेंट हो, लाइन बहुत बड़ी थी, आपने सोचा खाना खा लेता हूँ, कैंटीन पे से एक पेटीज खा लेता हूँ, टैक्सेबल। ठीक
ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट अगर डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल के डॉक्टर को जो भी पेमेंट होगा, चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही हो चाहे परमानेंट एम्प्लॉई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर्स को जो भी पेमेंट होगा उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। ऐसा क्यों भाई? अल्टीमेटली अगर डॉक्टर्स पर टैक्स लगाओगे तो सर्विसेज महंगी हो ही जाएंगी। अल्टीमेटली बर्डन तो पेशेंट्स के ऊपर पड़ेगा, इसलिए डॉक्टर्स पर कोई जीएसटी नहीं लगा रहे। ठीक है, ऐसी बात भी चला था। ऐसा क्लैरिफिकेशन है, सारे जो भी मैंने बोल्ड कर रखे हैं क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनो। ठीक है, क्लैरिफिकेशंस क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। क्लैरिफिकेशंस क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनो। क्लैरिफिकेशंस क्या बोलते हैं, बोले अगर आपने पेशेंट से 10,000 रुपीज चार्ज करे और डॉक्टर को 7,500 रुपीज पे करे, तो क्या 2,500 रुपीज तो जीएसटी लगेगा? ऐसे इस तरह के लोगों के डाउट्स थे। कोई जीएसटी नहीं लगेगा, पेशेंट कितना ही पेमेंट करे और डॉक्टर को आप कितना ही पेमेंट करो, कोई जीएसटी नहीं है। ठीक है, मान लो हेल्थ केयर सर्विसेज वैसे तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन हेल्थ केयर सर्विसेज वैसे तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन मैं किसी डॉक्टर के पास गया और मैंने बोला आप अपने क्लिनिक के बाहर मेरा होर्डिंग लगवा लो और उसमें लिख दो अक्षांकन जीएसटी क्लासेस 5,000 रुपीज, एक्सेप्टेबल होगा? बिल्कुल होगा सर। वैक्सीन एग्जेम्प्ट है क्या? कोविड शील्ड और कोवैक्सीन, वैक्सीन का आपसे वैसे कोई पैसा नहीं ले रहे। सर हॉस्पिटल रूम पे तो टैक्स है ना? नहीं, कोई टैक्स नहीं है। कंपोजिट सप्लाई वाला केस आ जाएगा हॉस्पिटल रूम वाला। कोई हॉस्पिटल में रुकने तो जाता नहीं है, हॉस्पिटल में इलनेस है तभी जा रहे हैं। प्रिंसिपल और कंपोजिट सप्लाई सप्लाई के अंदर पढ़ाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवंबर 20 के अंदर 8 मार्क्स की केस स्टडी आ गई थी इसके ऊपर। बहुत लाइटली लेते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस पे आओ, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस पे आओ। ठीक है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या बोलते हैं? अगर पेमेंट ले रहे हैं तो मुझे नहीं पता वैक्सीन पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, देख के बताना पड़ेगा। वैक्सीन पे जीएसटी वैसे तो कर नहीं रखा होगा शायद गवर्नमेंट ने, कर रखा है तो बड़ी दुख की बात है। जीएसटी का ले रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट एकम्पनीड। देखो क्या है, अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाले हो, अब ध्यान से समझो, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाले होंगे ना, गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि जनता का भला हो रहा है, एग्जेम्प्शन दे देंगे नहीं तो नहीं देंगे। फिर जनता के भला, जैसे अब आप फर्स्ट क्लास डब्बे में जा रहे हो, एसी में जा रहे हो तो एग्जेम्प्शन नहीं मिलेगी। एसी में जा रहे हो काहे की एग्जेम्प्शन, अमीर हो तो आप ऐसे बसों में धक्के खाते हुए जा रहे हो, नॉन एसी बस में जा रहे हो तो एग्जेम्प्शन है। जहाँ 80 से 90% जनता जो भी ट्रांसपोर्ट यूज़ करती है ना, मेट्रो यूज़ करती है, मेट्रो भले एसी हो लेकिन 80 से 90% जनता यूज़ कर रही है दिल्ली में, एग्जेम्प्ट है। लोकल ट्रेनें एग्जेम्प्ट हैं। ये पुणे से मुंबई बस जा रही है नॉन एसी, राजस्थान रोडवेज की, हरियाणा रोडवेज की बस चल रही है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बस चल रही है DTC की, एग्जेम्प्ट है नॉन एसी। ठीक है, जनता के भले के लिए आओ। अब सुनो मेरी बात, बोले कि अगर आप एयर से जा रहे हो ना, एयर से जा रहे हो तो टैक्स लगेगा, लेकिन इस तरह के स्टेट हैं मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, बगडोगरा। बगडोगरा को हाईलाइट कर रखा है क्योंकि बगडोगरा से क्वेश्चन पूछ लेते हैं नोट्स के अंदर, वो चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं जो जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? वैसे भी इन जगहों पर कोई जाता नहीं है, गवर्नमेंट टूरिज्म को प्रमोट करना चाहती है इसलिए टैक्स नहीं लगाया। आगे बढ़ते हैं। ट्राम से, ट्राम भी एग्जेम्प्ट है बिल्कुल। कैलकाटा के अंदर जो ट्राम वे चलता है वो भी एग्जेम्प्ट है। सर एसी बस टैक्सेबल है ना? बिल्कुल टैक्सेबल है। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज, ध्यान से सुनो, सिंपल आसान। वैसे तो इनडेप्थ समझा रखा है मैंने, इनका डीप मीनिंग, लेकिन इजी वे में बोलूँ ना, कॉन्ट्रैक्ट स्टेज कैरेज को आप गवर्नमेंट बसेज मानो और स्टेज कॉन्ट्रैक्ट कैरेज को प्राइवेट बसेज मान लो। ठीक है, आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब है जो आप उसको बता रहे हो वहीं कि वहीं बस चल रही है आपके हिसाब से, तो बोले नॉन एसी है अदर देन रेडियो टैक्सी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म। बोले रेडियो टैक्सी है, रेडियो टैक्सी मतलब बोले ड्राइवर को आपकी लोकेशन पता है और आपको ड्राइवर की लोकेशन पता है, ओला उबर या एसी हो या नहीं हो टैक्सेबल है।
अब ध्यान से सुनो, चार्ट बनाया, चार्ट बनवाया था इसका मैंने। चार्ट क्या था कि बोले अगर अगर है ना कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की बात हो, सर ये नोट्स नहीं मिल रहे टेलीग्राम ग्रुप पे, नोट्स हैं आप कोई भी टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल के दे दो, धैर्य जैनी आयु है सौम्या एनी बड़ी। कोई है तो नोट डाल दो। चलो आगे बढ़ो। बोल रहे रेडियो टैक्सी है, रेडियो टैक्सी पे जीएसटी हमेशा हमेशा लगेगा। जहाँ पे भी टूरिज्म पर्पस दिख जाए ना हमेशा टैक्स लगा देना, टूरिज्म पर्पस जहाँ पे भी दिख जाए ना जीएसटी के अंदर हमेशा टैक्स लगा देना, टूरिज्म पर्पस पे हमेशा टैक्स लगा देना, ठीक है। आओ टूरिज्म पर्पज पे हमेशा टैक्स लगा देंगे। स्टेज कैरेज सरकारी बसें अदर देन एसी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज आपको पता ही है। अब एक पॉइंट ये दे रखा है, देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया, बोले नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में अगर एयर से भी जाते हैं तो भी एग्जम्पशन है, बाकी टैक्सेबल है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज की अपन ने बात कर ही ली, ठीक है। बागडोगरा को याद रखना है। अब क्या है, बोले आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विसेज दी, आप फ्लाइट कंपनी है स्पाइस जेट, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विसेज दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई थी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला था कि जो इस तरह के एरियाज है ना, जो थोड़ा सा जहाँ पे बस भी नहीं जाती ट्रेन भी नहीं जाती और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मणिपुर मिजोरम नागालैंड मेघालय इस तरह के जो एरियाज है ना, मतलब ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वाले, तो गवर्नमेंट ने इनको बोला था फ्लाइट कंपनीज को अगर आप अपनी फ्लाइट चलाओगे ना यहाँ पे तो बढ़िया रहेगा। तो फ्लाइट कंपनीज ने बोला था कि हमें लॉस हो जाता है हम नहीं चलाएंगे, हमें हमें लॉस होता है हम नहीं चलाएंगे, ठीक है, हमें लॉस होता है हम नहीं चलाएंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला हम आपको लॉस का पैसा दे देंगे, टेंशन मत लो। तो जो लॉस का पैसा देगी ना गवर्नमेंट, ये स्कीम 3 साल तक के लिए चलाई गई थी, 3 साल तक गवर्नमेंट भुगतेगी इसका पैसा, और गवर्नमेंट जो पैसा देगी ना लॉस का, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ये कह रहा है बस। ट्रांसपोर्ट ए पैसेंजर विदाउट अकम्पनेंट, अकम्पनेंट मतलब बिलोंगिंग, मतलब आप सामान लेके जा रहे हैं उसको बोलते हैं। रेलवेज इन अ क्लास अदर देन एसी और एसी कंडीशन, बोल रहे हैं अगर आप एयर एसी डब्बे में जा रहे हैं या फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं, मेरे ख्याल से दोनों एक ही बात है, और फर्स्ट क्लास को अलग से कर दिया और एसी में AC 2 AC 3 दोनों आ गए, ठीक है। एग्जाम ये क्या होगा, टैक्सेबल है एसी वाले, बाकी एग्जाम्प्ट है रेलवे। सेकंड क्लास में जाओगे जनरल डब्बे में जाओगे एग्जाम्प्ट है, मेट्रो और मोनोरेल में जाओगे एग्जाम्प्ट है। ऑल दो मेट्रो टैक्स, मेट्रो में जीएसटी क्या एसी है बट टैक्स एग्जम्प्ट है। इनलैंड वाटरवेज, इंडिया के अंदर ही वाटरवेज में आप जा रहे हो, गोवा से केरला मान लो इन केस जा रहे हो एग्जाम्प्ट, मुंबई से गोवा जा रहे हो एग्जाम्प्ट है इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन, फॉर टूरिज्म पर्पज, टूरिज्म पर्पज को छोड़ दो, बाकी मीटर कैब ऑटो रिक्शा, इसके अंदर याद रखने वाली चीज़ क्या है, रेडियो टैक्सी पे जीएसटी लगेगा लेकिन मीटर कैब पे जीएसटी नहीं लगेगा, ये याद रख लो। मीटर कैब क्या होती है, मुंबई के अंदर चलती है ना येलो वाली, उसको मीटर कैब बोलते हैं। GTA के ऊपर आ जाओ, ये बोल रहा है GTA की सर्विसेज हमेशा टैक्सेबल है, GTA की सर्विसेज हमेशा टैक्सेबल है, ठीक है। बाय रोड एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ, बोल रहे हैं कि रोड ट्रांसपोर्टेशन हमेशा एग्जेम्प्ट है लेकिन GTA की सर्विसेज और कोरियर सर्विसेज हमेशा टैक्सेबल है। अब रोड पे बाकी क्या, घोड़ा घोड़ा हाथी घोड़े चलाएंगे वो एग्जेम्प्ट है, इसका मतलब ये है। बाकी रोड पे ट्रक वगैरह चलते हैं ना बुरी नज़र वाले, तेरा मुंह काला है ना, सुबह चलो शाम को खाली, पता नहीं क्या क्या जो भी लिखा होता है वो सब टैक्सेबल है, वो गुड ट्रांसपोर्ट सर्विस होते हैं वो ट्रक, ठीक है। आगे बढ़ो। अब ये बोलो सर्विस बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम प्लेस ऑफ इंडिया, ये चीज़ें थोड़ी अटपटी लगी मुझे, ये चीज़ें याद रखने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था। अब तक एग्जम्पशन के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है नहीं जो याद रखने जैसी है, स्पेशली कुछ बगडोगरा वगडोगरा इस तरह की जगह जो याद रखने की तो बात अलग है। तो अभी तक याद रखने वाली चीज़ क्या लगी मुझे, जो थोड़ी ठीक सी लगी, वो ठीक सी चीज़ ये लगी कि भाई अगर आप फॉरेन से इंडिया के अंदर कोई भी सामान इंपोर्ट करते हैं अगर प्लेन से, तो लॉजिक तो कहता है कि GST लगना चाहिए, आप प्लेन से इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर रखा है। ऑब्वियसली बड़े बड़े लोग ही एग्जम्प्ट करते होंगे, जो गवर्नमेंट के साथ वाले लोग हैं, इनको जो गवर्नमेंट को चंदा देते हैं, गवर्नमेंट ने उनके लिए एग्जम्प्ट कर दिया। आम जनता 85% शिप से ट्रांसपोर्ट इम्पोर्ट होता है, उस पर हमेशा GST लगेगा, तो इसका मतलब है शिप से इम्पोर्ट कर रहे हैं तो GST लगेगा लेकिन प्लेन से इम्पोर्ट कर रहे हैं तो GST नहीं लगेगा।
ठीक है। फाइव परसेंट आरसीएम जीटीए सर्विसेज, देखो आरसीएम हो या 12% हो, फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो, टैक्स तो लग रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ कौन कौन सी ऐसी कंडीशन हैं जहाँ पे एग्जम्पशन मिलेगी, हम अभी एग्जम्पशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, सर्विसेज बाय वे जीटीए के अंदर भी दो कंडीशन हैं जहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, एक तो 1500 और 750। याद होगा अगर आपने पूरा का पूरा ट्रक बुक करा लिया या आपने पूरा का पूरा पिकअप बुक करा लिया और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही सामान जा रहा है, तो अगर 1500 रुपीज़ तक आपका फेयर है तो वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है। 1500 से 1 रुपये भी ज़्यादा हो जाता है तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, जनरली 3-4 किलोमीटर तक ही ज़्यादा 1500 रुपीज़ में। तो और दूसरा केस क्या था, अगर एक ट्रक जा रहा है इसमें काफ़ी सारे लोगों का सामान जा रहा है और आपका भी सामान जा रहा है और आपके सामान की वैल्यू 750 रुपीज़ या उससे कम है तो एग्जम्प्ट हो जाएगी जीटीए के केस। तो अगर आपका खुद का ट्रक है तो 1500 और एक कंबाइंड ट्रक जा रहा है जिसमें आपका सामान का वैल्यू 750 रुपीज़ है उससे कम है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो प्लेन से कर रहे हो या वैसल से तो हमेशा एग्जम्प्ट। अब क्या ट्रक्स क्या निकला, एक्सपोर्ट कर रहे हो ऑलवेज एग्जम्प्ट एक्सपोर्ट बेनिफिट्स, इम्पोर्ट कर रहे हो प्लेन से कर रहे हो एग्जम्प्ट, और वैसल से कर रहे हो शिप से कर रहे हो तो टैक्सेबल। ठीक है, ये क्रक्स निकला। फिर आते हैं बोले जीटीए, अगर रेल वैसल या जीटीए इस तरह का सामान लाते हैं तो हमेशा एग्जम्पशन मिलेगी। किस तरह का सामान है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेके आ रहे हैं, मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन, बेसिक बेसिक से सामान है, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर मैगजीन, रजिस्टर्ड वेल रजिस्ट्रार, रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम ऑफ वॉर, ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सामान है, आटा फ्लोर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बेसिक जनता के भले के लिए, कहीं रिलीफ मटेरियल चाहिए, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, साइक्लोन आ गया, डिफेंस के लोगों को सामान चाहिए, एग्जम्प्ट है। बोल रहे हैं रेल और वैसल, बोल रहे रेल या वैसल से। अब वैसे तो है नहीं कि जीटीए से रेल के, इसके अंदर जीटी को क्यों ऐड नहीं किया, रेल के बड़े बड़े जो भी सामान आते हैं वो जीटी से तो आएंगे नहीं, तो ऐसे बोला है कि अगर रेल से कोई रेलवे का इक्विपमेंट आता है तो एग्जम्प्ट है, या वैसल से भी आता है तो भी एग्जम्प्ट है। ठीक है, इसका अपने शॉर्ट फॉर्म पढ़ा था मंडोर, मंडोर एक्सप्रेस, बिल्कुल डॉली हमने शॉर्ट फॉर्म बनाया था इसका, मंडोर, एम फॉर मिल्क, ओ फॉर, ए फॉर एग्रीकल्चर, एन फॉर न्यूज़पेपर, लिख लो कहीं ब्रैकेट में, डी फॉर डिफेंस, ओ फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर, आर फॉर रिलीफ मटेरियल, और ये रेल से याद रह जाएगा मंडोर एक्सप्रेस। तो बोले मंडोर एक्सप्रेस, अगर मंडोर एक्सप्रेस से सामान आता है, एम फॉर मिल्क, ए फॉर एग्रीकल्चर, तो एग्जम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, ये जीटी का आपको बता दिया, 1500 और 750 रुपीज़ हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, छोड़ो, ये आरसीएम के अंदर बता दूंगा आपको, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, सर्विसेज बाय आरबीआई, अगर आरबीआई कोई भी सर्विस लेता है, आरबीआई कोई भी सर्विस ले रहा है, आरबीआई किसी से ले रहा है उस पर तो टैक्स लगेगा, लेकिन आरबीआई दे रहा है मतलब सर्विसेज बाय आरबीआई, आरबीआई सर्विसेज दे रहा है अपन को, है ना, आरबीआई सर्विसेज दे रहा है, सर्विसेज बाय आरबीआई क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, सर्विसेज बाय आरबीआई एग्जम्प्ट होगा, सर्विसेज टू आरबीआई टैक्सेबल होगा। देखो सर्विसेज रिसीव्ड बाय आरबीआई, अगर आरबीआई की, आरबीआई जो भी सर्विस लेता है वो सारे टैक्सेबल है, एक को छोड़ के, एक कौन सी, इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरन फॉरन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरन एक्सचेंज रिजर्व से मैनेजमेंट, फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट की कोई भी सर्विसेज अगर आरबीआई ले रहा है तो एग्जम्प्ट है, बाकी सारी आरबी सर्विसेज जो आरबीआई ले रहा है वो टैक्सेबल है, और आरबीआई जो दे रहा है वो हमेशा की हमेशा एग्जम्प्ट होगा, आरबीआई दे रहा है जनता के भले के लिए दे रहा है इसलिए एग्जम्प्ट है। ठीक है, आरबीआई बहुत अमीर है, बिल्कुल। सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन्स और एडवांस, देखो बात ऐसी है बैंक लोन सर एडवांस वगैरह इंटरेस्ट वगैरह ये सब देता है, इस पर अगर जीएसटी लगाने चल जाए तो इंडिया के अंदर हर बंदे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाए, इन पर कोई जीएसटी नहीं लगता। सरकार की जितनी भी योजनाएं आ जाएंगी ना हिंदी में, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री इस तरह की योजना, सब एग्जम्प्ट कर देना हिंदी वाली योजना। पहले कार्ड से पेमेंट करते थे ना, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, तो सर 2000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा का पेमेंट होता था ना तो उस पर जीएसटी लगता था, जो भी प्रोसेसिंग चार्ज होता था, जैसे सपोज 3000 का पेमेंट है, 1% प्रोसेसिंग चार्ज है 30 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ में जीएसटी लगता था, पहले पूरे अमाउंट पर लगता था, अब गवर्नमेंट ने कर दिया कि 2000 रुपीज़ तक है तो एग्जम्प्ट है, उसके बाद टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है,
ज़्यादा खास नहीं है। फिर आओ हायरिंग सर्विसेज। हायरिंग सर्विसेज के अंदर क्या है कि अगर आपने स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, मतलब गवर्नमेंट को, कोई ऐसा व्हीकल दिया जिसके अंदर 12 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, 12 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, सर अगर कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल एग्जेम्प्ट है तो फुल एग्जेम्प्ट है ना? बिल्कुल गौरव शर्मा, ठीक है। 12 से आपने हायरिंग की सर्विसेज दी और 12 से ज़्यादा लोग उस व्हीकल में बैठ रहे हैं, 12 से ज़्यादा लोग उस व्हीकल में बैठ रहे हैं, हायरिंग सर्विसेज दी कंप्लीटली, हायरिंग सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, स्टेट गवर्नमेंट को दी। सपोज करो इलेक्शन में सरकार बसें ले ली आपसे, आपसे बस ले ली सरकार ने इलेक्शन में, तो भाई या आपने, आपके पास एक व्हीकल पड़ा था, आपने गवर्नमेंट को दे दिया, आप अपनी बस चलाओ राजस्थान रोडवेज, दिल्ली, दिल्ली रोडवेज, दिल्ली परिवहन एग्जेम्प्ट। किसको दी? गवर्नमेंट को दी। इलेक्ट्रिकली व्हीकल, देखो 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 देखो, टू टू करिए और मोर देन 12 पैसेंजर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल होना चाहिए, 12 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, एग्जेम्प्ट है। जीटीए को दिया तो भी एग्जेम्प्ट है, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दिया तो भी एग्जेम्प्ट है। एजुकेशन सर्विस पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एजुकेशन सर्विस क्या बोलता है? एजुकेशन सर्विस को हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, ऐप पे हम इसका बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी कर चुके हैं, यूट्यूब पे भी आपको एजुकेशन सर्विस इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एजुकेशन सर्विस, एजुकेशन सर्विस क्या बोलता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोई भी सर्विस प्रोवाइड करे स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दे रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कुछ भी देगा एग्जेम्प्ट है। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ले रहा है तो 5 तरह के ऐसे सर्विसेज हैं जो एग्जेम्प्ट है। सर्विस की बात चल रही है, गुड्स की बात नहीं चल रही। अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोई गुड्स ले रहा है तो पूरे के पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे, लेकिन अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये 5 तरह की सर्विस ले रहा है तो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, इनके अलावा सब टैक्सेबल है। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कुछ भी दे रहा है, अगर देने की बात आ रही है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कुछ भी दे रहा है स्टूडेंट फैकल्टी या स्टाफ को तो एग्जेम्प्ट है। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर गुड्स ले रहा है तो टैक्सेबल है, और अगर सर्विसेज ले रहा है तो 5 तरह की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। अब ये 5 तरह की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 3 तरह के होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 3 तरह के होते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 3 तरह के कौन कौन से होते हैं ध्यान से सुनो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 3 तरह के होते हैं ध्यान से सुनो। एक तो होता है जो स्कूल 12 तक, आपको क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हैं कि नर्सरी को अलग कर देंगे, 12th को अलग कर देंगे, पूरा स्कूल एक तरफ मान लिया, ठीक है। एक तो होता है स्कूल, दूसरा दूसरा आप मान लो वोकेशनल, मतलब बोलते हैं ना कि CA CS कोर्सेज रिकॉग्नाइज बाय एनी जॉब, सेकंड ये हो गया। तीसरे वोकेशनल कोर्सेज लाइक ITI वगैरह, ये 3 तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गए, पहला 12th, दूसरा कोर्सेज रिकॉग्नाइज बाय लॉ CA CS वगैरह, और तीसरा तीसरा वोकेशनल वोकेशनल एजुकेशन लाइक ITI वगैरह। ITI वगैरह क्या होती है, जिससे लोग क्या करें भाई, पढ़ लिख लें, समझ रहे हो, मतलब होते हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं है लेकिन सिमिलर नेचर का काम सिखा दोगे तो आप वो काम करके पैसे कमा लेंगे, उसको ITI बोलते हैं। वो बोलते हैं वोकेशनल कोर्सेज, एक पर्टिकुलर तरह की ट्रेनिंग देना। ठीक है, अब ये तो बात चल रही है, अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही 5 तरह की सर्विस लेता है ना, तो तीन तीन तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा जो 5 तरह की सर्विस ले रहे हैं। अब देखो अभी बोल रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर ट्रांसपोर्टेशन स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ की सर्विस ले रहा है, केटरिंग की सर्विस ले रहा है, मतलब मिड डे मील स्कीम में होता है ना, मिड डे मील वगैरह, ये सर एजुकेशन वाले में झमेले हैं बहुत। प्रीत वालिया, आपने मेरा पुराना लेक्चर देखा है नहीं देखा मुझे ये बताओ। एजुकेशन सर्विस से बेस्ट मैंने कुछ पढ़ाया नहीं था जब मैंने पढ़ाया था रेगुलर लेक्चर। सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग सर्विसेज ले रहे हैं, अब 3 तरह की सर्विस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ, केटरिंग सर्विसेज, और दूसरा सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग सर्विसेज। गवर्नमेंट ये मानती है इस तरह की सर्विसेज सिर्फ स्कूल तक के बच्चों को जरूरत है, बाद वालों को जरूरत नहीं है। तो अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो स्कूल वाला हो, अगर वो ये 3 सर्विसेज ले रहा हो तो ये एग्जेम्प्ट है। अगर स्कूल के अलावा कॉलेज हो, कॉलेज मतलब कोर्सेज रिकॉग्नाइज बाय एनी लॉ, मतलब BCom BSc MCom CA CS कोर्सेज रिकॉग्नाइज बाय एनी लॉ, अगर इस तरह की सर्विस ले रहे हैं, किस तरह की सर्विस? ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट ये मानती है कि सी इंस्टीट्यूट CA वाले बच्चे बड़े हो गए, वो खुद की कार या एक्टिवा या मोटरसाइकिल से आ सकते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है। स्कूल के बच्चों को जरूरत है, एग्जेम्प्ट कर दिया। केटरिंग और मिड डे मील की सर्विसेज बच्चों के लिए होती है, बड़ों के लिए नहीं, एग्जेम्प्ट कर दिया गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए। सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग सर्विसेज बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए नहीं है, ठीक है। अब देखो
अवर चार्ट 1 2 3 4 4 5 4, बिल्कुल डॉली बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फिर सर सर्विसेज रिलेटेड टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, बोले एग्जामिनेशन की जरूरत तो बच्चों को भी पड़ती है, सी इंस्टीट्यूट को भी जरूरत पड़ती है, और आईटीआई वालों को भी पड़ती है वोकेशनल कोर्सेज को। इसका मतलब एग्जामिनेशन की सर्विसेज तो हर किसी के लिए एग्जम्प्ट होनी चाहिए, बिल्कुल है। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल, बोले ऑनलाइन जो एजुकेशन जर्नल है ना, जैसे सी इंस्टीट्यूट की मैगजीन आती है, इसे याद रखो, हमको जरूरत है उसकी, स्कूल के बच्चों को जरूरत नहीं है। तो क्रक्स क्या निकला, 1 2 3 4, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ, केटरिंग सर्विसेज, सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग, और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन वाली सर्विसेज, 1 2 3 4, ये तो हो जाएंगी स्कूल वालों के लिए एग्जाम्प्ट। फिफ्थ वाली स्कूल वालों के लिए टैक्सेबल होगी, ठीक है। दूसरा आ रहा है सी इंस्टीट्यूट, मतलब कोर्सेज रिकॉग्नाइज बाय एनी लॉ, इसके लिए पहले तीन तो एग्जाम्प्ट है ही नहीं, टैक्सेबल है, पहले तीन तो सिर्फ और सिर्फ स्कूल के लिए एग्जाम्प्ट है, तो इसका मतलब सी इंस्टीट्यूट के लिए। फोर्थ वाली तो हर किसी के लिए एग्जाम्प्ट है, एग्जाम की सर्विसेज तो हर किसी को चाहिए ना, बहुत लॉजिकली सोचो, रटन ऐसा कुछ है ही नहीं। फोर्थ और फिफ्थ वाली जो सर्विसेज है ना, वो सी इंस्टीट्यूट के लिए एग्जाम्प्ट है, सी इंस्टीट्यूट मतलब कोर्सेज रिकॉग्नाइज बाय एनी लॉ। अब आता है लास्ट में वोकेशनल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज के लिए सिर्फ और सिर्फ फोर्थ नंबर वाली सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल है। अब क्या हुआ, 1 2 3 4, मतलब स्कूल के लिए 1 2 3 4 सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, कोई भी स्कूल अगर इस तरह की सर्विसेज लेता है तो 1 2 3 4 सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। अगर कोई भी कोर्सेज रिकॉग्नाइज बाय एनी लॉ लेता है तो उसके लिए 4 और 5 एग्जाम्प्ट है, और अगर वोकेशनल कोर्स वाले लेते हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 5th एग्जाम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल है, ठीक है। और अगर इस तरह के तीनों का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कुछ भी देते हैं, अगर कुछ भी दे रहे हैं तो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है, और ले रहे हैं तो 5 है, 5 के अंदर से पहली जो 4 है वो स्कूल के लिए मतलब 12th तक के लिए, 4th और 5th है वो वोकेशनल कोर्स मतलब कोर्सेज रिकॉग्नाइज बाय एनी लॉ के लिए, जैसे सी इंस्टीट्यूट, बी कॉम, बी एस सी, सी एफ ए नहीं है, सी एफ ए इंडिया रिकॉग्नाइज बाय एनी लॉ नहीं, इंडियन लॉ से रिकॉग्नाइज नहीं है सी एफ ए, तो सी एफ ए पे नहीं लगेगा ये। और जो फिफ्थ वाला है वोकेशनल कोर्स पे लग, वो और फोर्थ वोकेशनल कोर्स है उस पर सिर्फ और सिर्फ 4th वाली कंडीशन एग्जाम्प्ट है, मतलब 4th वाली कंडीशन तो हर किसी केस में एग्जाम्प्ट मिलेगी आपको, लॉजिकल सी बात है, मैंने बता दी। आई ए एम जो सर्विस देते हैं तो 2 ईयर और 5 ईयर का जो पीजीडीएम वगैरह प्रोग्राम होता है वो एग्जाम्प्ट है, बाकी सब फ्लेक्सिबल है। चलो एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज ऐसे बोल रहे हैं, एग्रीकल्चर सारे एग्रीकल्चर गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, बिल्कुल देखो लॉजिकली सोचो, रटने जैसा कुछ है ही नहीं, एजुकेशन कुछ रटने जैसा था क्या उसके अंदर, बच्चों को जिस चीज़ की जरूरत है वो दे दी, जिसको जिस चीज़ की जरूरत है वो एग्जम्प्ट कर दी, जिसको जरूरत नहीं है वो एग्जम्प्ट नहीं करा, सिंपल सी बात है ना। अब भाई मुकेश अंबानी को जरूरत थी कि फॉरन से कुछ इम्पोर्ट करे, वो प्लेन से करेगा, तो उसको जरूरत थी एग्जम्पशन की, बड़ा आदमी है वो, एग्जम्प्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, आम जनता को शिप से करती है, तुम टैक्स भरो, समझ रहे हो। अब आओ सर, थक गए, नहीं थका नहीं, हल्का सा फीवर सा हो रहा था बस। देखो एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, पूरे सर्विसेज रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, देखो अब गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर की सारी सर्विसेज को एग्जेम्पशन दी है, लेकिन एक्सेप्ट द रेयरिंग ऑफ हॉर्सेज, हॉर्सेज जो होते हैं ना घोड़े, गवर्नमेंट ये मानती है राजा महाराजा लोग घोड़े रखते थे, तो बोले उनके लिए तो टैक्स लगाएंगे, मतलब सलमान खान घोड़े रखता है, घोड़ों पे हमेशा टैक्स लगेगा, बाकी सब पे एग्जम्पशन है, ठीक। अब एग्रीकल्चर की मैंने ट्रिक याद करवाई थी, एग्रीकल्चर में सीड सीड की टेस्टिंग से, पहले सीड को टेस्ट करवाएंगे, फिर सीड को उगाएंगे, फिर हार्वेस्ट करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, फार्म पे हमें कुछ वर्कर्स की जरूरत भी पड़ेगी कि जो हमारे लिए मदद कर दें, फिर हम पैकेजिंग भी करेंगे, लोडिंग अनलोडिंग भी करेंगे, सामान को काट के ट्रक में भेजेंगे, फिर मंडी में भी जाके सामान बेचेंगे, तो सारी की सारी एक्टिविटीज गवर्नमेंट ने स्टेप बाय स्टेप एग्जम्प्ट कर दी। लव फ्रॉम नेपाल, थैंक यू, ठीक है। हाँ एग्रीकल्चर ऑपरेशन, अब मैंने देखो ध्यान से सुनो, पहला आ गया टेस्टिंग हार्वेस्टिंग, ये सब एग्जम्प्ट है, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, आपको लेबर की जरूरत है वो भी एग्जम्प्ट है, फिर आपने कोई बोले हार्वेस्टिंग करी, फ्यूमिगेटिंग मतलब पेस्ट कंट्रोल वगैरह होते हैं ना, उसको फ्यूमिगेटिंग बोलते हैं, ठीक है, कूलिंग वगैरह करी, क्लीनिंग करी, ड्राइंग करी, कटिंग करी, सब एग्जम्प्ट है, लेकिन असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं चेंज होना चाहिए फसल का, ये नहीं कि भाई थे तो टमाटर ही, लेकिन उनको दबा दिए सॉस निकल गया,
असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक बदल गया तो काम खत्म हो गया, ठीक है। असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं बदलना चाहिए, रेंटिंग ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी, भाई मशीनरी की जरूरत पड़ी एग्जम्प्ट, लोडिंग अनलोडिंग करवाई, वेयर हाउस में पैकेजिंग वगैरह हुई एग्जम्प्ट, भाई फसल बेचने गए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी को बेचने गए, तो बेचने बेचने गए, बेचने पे जो भी पैसा देना पड़ा वो भी एग्जम्प्ट है, मतलब कमीशन वमीशन जो लगता है ना एजेंट को कमीशन देते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस, वेयर हाउस के अंदर कीड़े चल गए थे तो कीड़े मारने के लिए फ्यूमिगेशन करवाया एग्जम्प्ट, बहुत बेसिक सी चीज़ है। फिर बोल रहे हैं कि बेसिक कल्चर, बेसिक नेचर नहीं बदलना चाहिए तभी एग्रीकल्चर में काउंट होगा। अच्छा, पैडी से राइस बनता है, राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, पैडी है, पर आधे मतलब काफ़ी मतलब साउथ लगभग लगभग राइस खाते हैं साउथ वाले लोग, नॉर्थ वाले भी खाते हैं लेकिन कम खाते हैं, खाते तो हैं। तो गवर्नमेंट ने राइस पे स्पेशल एग्जम्पशन दे दी जैसे बाकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे है, गवर्नमेंट ने राइस को भी दूसरी एंट्री एंट्री वेंट्री कुछ याद रखनी नहीं है वैसे, तो गवर्नमेंट ने राइस को भी दूसरी एंट्री में एग्जम्प्ट कर दिया, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल दे रखा है माइलिंग ऑफ पैडी, असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक तो बदल गए इसके। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल, जानवरों को मारते हैं, मुर्गे वुर्गे कटते हैं, गाय कटती हैं, एग्जम्प्ट कर रखा सरकार ने। एप्पल के ऊपर स्टिकर लगा होता है, कई एप्पल वाइट, कई एप्पल है ना रेड नहीं होते, उनको रेड बना देते हैं, वैक्सिंग कर देते हैं उस तरह के, ठीक है, इस तरह की चीज़ कर देते हैं उनके ऊपर, लेबलिंग कर देते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल के ऊपर जिससे वो बिक जाएँ, वो भी एग्जम्प्ट है। राइस एग्जम्प्ट है, पहले राइस ऑल्दो टैक्सेबल है लेकिन अलग सी एंट्री के अंदर एग्जम्प्ट कर दिया। देखो सर एंट्री नंबर 24 पढ़ो, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ राइस एग्जम्प्ट है। पाँच तरह की एक्टिविटी हो गई, लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग स्टोरेज और वेयर हाउस, स्टोरेज और वेयर हाउस तो एक ही हो गया, चार तरह की एक्टिविटीज हो गई, लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग स्टोरेज या वेयर हाउस, इस पर एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट ने बोला बाकी सारी चीज़ों पे तो एग्रीकल्चर अगर प्रोड्यूस हो तो कंप्लीटली एग्जम्प्ट है, पर राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं था इसलिए एग्जम्प्ट नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने पांच इस पे चार चीज़ों पे एग्जम्पशन दे दी, लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग वेयर हाउसिंग पे। फिर बात आई कि भाई कई ऐसे सामान हैं जैसे पल्सेज हैं, दाल हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स वेजिटेबल हैं, ये आम जनता खाती है, मतलब ऑल दो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, जैगरी है, शुगर केन है, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं ना, कॉफ़ी है, टी है, बोले आम जनता खाती है इसको, आम जनता खाती है, तो ऑल दो एग्जाम नहीं था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं था, लेकिन स्पेशल एंट्री निकाल दी कि बोले इन पे सिर्फ स्टोरेज स्टोरेज पे एग्जम्पशन है, ये नहीं कि लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग पे एग्जम्पशन है, सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज पे एग्जम्पशन है। इसके अंदर टी और कॉफ़ी को मैंने हाईलाइट कर रखा है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं, कोई भी आम बच्चा टी और कॉफ़ी देख के उस पर टैक्स लगा ही आएगा, लेकिन अगर ध्यान रखना टी और कॉफ़ी पे अगर स्टोरेज की बात चल रही है तो एग्जम्प्ट है। सर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है सर आफ्टर रिविजन, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। रेंटिंग ऑफ ट्रैक्टर एग्जम्प्ट है, ठीक है, ऐसा किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है इसलिए बता रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक अदर देन हॉर्सेज, घोड़ों को तो वैसे ही छोड़ दो तुम, एनिमल्स का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा रहे हैं, एग्जम्प्ट। सर्विसेज सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट, अब मैंने अलग से मॉड्यूल के अंदर बहुत घटिया तरीके, घटिया तो क्या कहूँगा लेकिन बहुत ही मिसमैनेजमेंट में चीज़ें लिख रखी थी मैंने। अब देखो ऊपर ही हेडिंग डाल दी पंचायत सर्विसेज, जब आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, उससे नीचे म्यूनसिपल थोड़ी बड़ी लेवल की, फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज, ये सब एग्जम्प्ट है, बहुत बेसिक सी है, इसके अंदर कोई काम की नहीं है। एक चीज़ काम की है, ये देखो सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, अब इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है ना, गवर्नमेंट का बेसिक पर्पज है जनता का वेलफेयर करना, गवर्नमेंट का पर्पज पैसा कमाना नहीं है। कोई भी ऐसी सर्विस जो गवर्नमेंट खुद दे रही है, पासपोर्ट की सर्विस, आधार कार्ड बनवाने की सर्विस, लाइसेंस बनवाने की सर्विस, कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं देती, अगर सिर्फ और सिर्फ उसको गवर्नमेंट ही देती है ना वो हो जाएगी एग्जम्प्ट, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही दे रही है तो एग्जम्प्ट हो जाएगी। ये ऐसी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट भी देती है और प्राइवेट एंटिटी भी देती है, तो गवर्नमेंट को टैक्स लगाना जरूरी है, अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी तो प्राइवेट एंटिटी टैक्स लगा के देगी, तो प्राइवेट एंटिटी की कोई सर्विस यूज़ नहीं करेगा क्योंकि वो महंगी हो जाएंगी, तो बैलेंस में लाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स लगाना पड़ा। क्या क्या सर्विसेज हैं ऐसी, ध्यान से सुनो, सर्विसेज बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट,
स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज, चार तरीके हैं इसका। एक शॉर्ट फॉर्म भी बनाया था बच्चों ने, क्या बनाया था, एस ई एल ए, सेल 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 है ना। सर्विसेज बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एजेंसी सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस और एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ये चार तरह की सर्विस देता है, इसके अंदर बेसिक मेल की सर्विस तो नहीं है, जब कोरियर से बेसिक मेल कर देते हैं वो कार्ड सा भेजते हैं, वो तो इंक्लूड नहीं है। सिर्फ चार, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, मनी ऑर्डर तो नहीं है इंक्लूड, बस जो चार है ना वो इंक्लूड है, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज। अगर गवर्नमेंट ये चार सर्विसेज देती है, पहली बात तो हमेशा ध्यान रखो, गवर्नमेंट जब भी कोई भी ऐसी सर्विस देगी ना, इस पर जीएसटी लगता है, रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्सेबल होता है, लेकिन ये ऐसी चार सर्विसेज हैं, तीन, वन टू थ्री, जिस पे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स आएगा, इनको अगर आपने रिवर्स चार्ज में कर दिया, मैंने सपोज करो स्पीड पोस्ट कराया 100 रुपये का, तो क्या मैं जीएसटी लूँगे, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर दोगे तुम, लॉजिकल सी बात है। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ सेल, सर्विसेज बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बाय वे ऑफ सेल, चार तरह की सर्विसेज करती है ना सेल की, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज, एग्जाम्प्ट एग्जाम नहीं, टैक्सेबल टैक्सेबल, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विसेज। ध्यान से सुनो, अगर गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट को दे रही है, अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को सर्विसेज देना तो एग्जाम्प्ट है, समझ रहे हो। ऑल दो जनरल केसेस में गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट को सर्विस देती है तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन दो ऐसे केसेस हैं, दो तीन, जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट देगा तो भी टैक्स लगेगा। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, स्पीड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अगर सेल की सर्विसेज देता है आम जनता को, फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स लगेगा। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। आओ एक बार है ना, अब आपने कहाँ क्या पढ़ लिया था, एग्जाम्पशन देख रहे थे अपन, ठीक है, एक बार बता, ऑल ओके नाउ, एक बार बोल दो मुझे, परफेक्ट है ना सब, साहिल ऑल ओके, ओके आ जाओ, थैंक यू। हाँ तो अभी अपन बात कर रहे थे, अगर गवर्नमेंट चार तरह की सर्विसेज देता है, अगर गवर्नमेंट देखो, तो जनरली गवर्नमेंट जितनी भी सर्विसेज देती है जनता के भले के लिए होती है, इन गवर्नमेंट ऐसी कोई सर्विसेज देती है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी देता है, जनरली उसी पे टैक्स लगता है। इन गवर्नमेंट ये चार तरह की सर्विसेज दे रही है, कौन कौन सी चार तरह की सर्विसेज हैं, डिपार्टमेंट बाय, अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सेल की सर्विसेज देता है, सेल मतलब स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, एजेंसी सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, इनकी सर्विसेज अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देता है, किसी भी इंसान को देता है, चाहे वो बिजनेस एंटिटी को दे, चाहे वो बिजनेस एंटिटी ऐसे बिजनेस एंटिटी को दे जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल को दे, फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को देता है तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड, तब कोई जीएसटी लगेगा। कोई भी अगर कोई भी गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट या वेसल से रिलेटेड सर्विसेज देगी तो जीएसटी लगेगा। तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं अपन, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड, जिस तरह के एग्जाम में सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, अगर गवर्नमेंट अगर गुड्स और पैसेंजर की सर्विसेज देती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, अपन ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके कि अगर गवर्नमेंट एसी बस की सर्विस दे रही है, वॉल्वो की सर्विस दे रही है तो टैक्स लगेगा, और नॉर्मल बस की या मेट्रो की सर्विस दे रही है तो एग्जाम लगेगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। लेकिन कहीं ना कहीं टैक्स तो लग ही रहा है ना, इसलिए इस पॉइंट को इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। और पैसेंजर या गुड्स की सर्विसेज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी सर्विसेज जो वन टू थ्री को छोड़ के, ऊपर ए से सी को छोड़ के, बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जनरली देखो बिजनेस एंटिटी को गवर्नमेंट कोई भी सर्विस देती है ना, वो रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्सेबल लग जाता है। इन तीनों के अलावा गवर्नमेंट एज अ इंडिविजुअल या ऐसा कोई बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर 20 लाख रुपीज से कम है, मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख, उस केस में नहीं आता है ना, तो अगर कोई भी गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विस देगी तो रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्सेबल लगेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पे कर ही रहा है जीएसटी, रिवर्स चार्ज के अंदर पे कर देगा, क्या दिक्कत है उसको, तो ठीक है उसको क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी सर्विसेज मिलती हैं तीन के अलावा, तीन कौन कौन सी, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विसेज, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, या फिर एयरक्राफ्ट और वेसल वाली, ये हमेशा की हमेशा फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्सेबल होगी। अब फर्स्ट जो पॉइंट था ना उसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्जाम थी, लेकिन सेकेंड और थर्ड पॉइंट है ना
उसके अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पे टैक्स लगेगा, क्योंकि कहीं लिखा हुआ है कि अदर देन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरेटरी, ये सिर्फ फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, सेकंड और थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब अगर गवर्नमेंट गवर्नमेंट कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस देगी तो टैक्स लगेगा, ठीक है। ये एमसीक्यू आ सकता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी किसको कहते हैं, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी इसको कहते हैं जिस भी एंटिटी में गवर्नमेंट का 90% या उससे ज़्यादा का पार्टिसिपेशन होता है, तो उसको गवर्नमेंट अथॉरिटी कहते हैं, ठीक है। फिर ये बात चल रही है कि सर्विसेज टू स्मॉल बिजनेस एंटिटी। अभी तक अपन ने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट अगर तीन तरह की सर्विस देती है, स्पीड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट सेल की सर्विसेज देता है, एयरक्राफ्ट या वेसल की सर्विस देते हैं, या फिर तीसरी सर्विसेज पैसेंजर या व्हीकल ट्रांसपोर्ट, गुड्स या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की, तो वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर हम हर किसी पे टैक्सेबल होगी, चाहे वो बिजनेस एंटिटी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है अगर स्मॉल बिजनेस एंटिटी को दे, अब स्मॉल बिजनेस एंटिटी को वो तीन तरह की सर्विस देगा, सेल वाली सर्विसेज या एयरक्राफ्ट वाली सर्विसेज या वो तीसरी सर्विसेज कौन सी थी, या फिर वो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स और पैसेंजर वाली। ये तीन सर्विसेज अगर दे रहे हैं, ये तो ऑलरेडी टैक्सेबल लगेगा फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। स्मॉल बिजनेस एंटिटी का मतलब है, देखो मैंने क्या ब्रैकेट के अंदर हेडिंग बना दी, जिससे आप अंदर का पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में चीज क्लियर होगी आप किस बारे में पढ़ रहे हो। वरना क्या होता है, हम मॉड्यूल पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर समझ में आता है अच्छा इसके बारे में, फिर वापस से पढ़ना पड़ता है, टाइम डबल वेस्ट होता है। इसलिए नोट्स बनाने का स्पेशल पर्पज था कि भाई हेडिंग वेडिंग डाल दी, तो आपका एग्जामिशन बहुत हैवी पड़ता है, बहुत भारी चैप्टर पड़ता है एग्जामिशन, इसीलिए इतने शॉर्ट और ईजी नोट्स बनाए गए हैं। देखो अभी क्या बोल रहा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी बोल रहा है कोई स्मॉल बिजनेस एंटिटी है जिसको गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज दे रही है। अब एक बात बताओ, बड़े बिजनेस एंटिटी को दे रही है तो वो तो रजिस्टर्ड है, तो वो तो आरसीएम में जीएसटी पे कर देगी। स्मॉल बिजनेस एंटिटी को दे रही है, वो तो रजिस्टर्ड है ही नहीं, अब उसको आरसीएम में, अब गवर्नमेंट की तीन सर्विसेज को छोड़ के सब पे वैसे भी आरसीएम लगता है, तो अब वो तीन तो वैसे भी टैक्सेबल है। अब बोले बाकी सर्विसेज पे टैक्स नहीं है स्मॉल बिजनेस एंटिटी को, स्मॉल बिजनेस एंटिटी मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उस पर कोई जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि जीएसटी आएगा तो फिर उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा सिर्फ इसी काम के लिए, वो बात जायज नहीं है, ठीक है। तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब सर्विसेज प्रोवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरेटरी और लोकल गवर्नमेंट टू अ बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सच अमाउंट, मतलब रजिस्टर्ड नहीं है वो, तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 को जो अपन ने ऊपर पढ़े वो तो ऑलरेडी टैक्सेबल है ही, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, वो तो सब हर किसी पर टैक्सेबल है। दूसरा एक पॉइंट और आ जाता है इसके अंदर कि अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रही है, मतलब अगर गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रही है, तो उस केस में स्मॉल बिजनेस एंटिटी पे टैक्स लगेगा। मतलब स्मॉल बिजनेस एंटिटी पे किस किस तरीके से टैक्स लगता है, वो तीन सर्विसेज तो हर किसी पे टैक्सेबल थी। दूसरा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट एज अ इंडिविजुअल मुझे दे तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर स्मॉल बिजनेस एंटिटी को देगी तो टैक्स लग जाएगा। और बिग बिजनेस एंटिटी को तो कोई भी सर्विस देगी ना, उन तीन पे तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, और उन तीन के अलावा हर किसी पे रिवर्स चार्ज लगेगा। सर रेंट सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज कर देंगे तो इन लोगों को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जो कि बात वैलिड है नहीं, मतलब गलत बात होगी कि इसी चीज़ के लिए अगर रजिस्ट्रेशन लें तो बहुत ही गलत हो जाएगा। सर हैट्स ऑफ फॉर योर डिटर्मिनेशन सर, ग्रेट, थैंक यू। फिर ये बोल रहा है अगर गवर्नमेंट ऐसी कोई भी सर्विस दे रही है जिसका कंसिडरेशन 5,000 रुपीज़ या उससे कम है, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। सर इसका मतलब अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस 5,000 या उससे कम रुपीज़ पे दी तो जीएसटी नहीं आएगा। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ सिर्फ पॉइंट नंबर 1, 2, 3, तो चाहे 100 रुपये, चाहे 1 रुपीज़ की हो, चाहे वो 2 रुपीज़ की हो, चाहे 10 रुपीज़ की हो, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 कौन से थे, डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट सेल की सर्विसेज दे रहा है, एयरक्राफ्ट और वेसल की सर्विसेज, और तीसरी सर्विसेज कौन सी थी, बार बार भूल जाता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और व्हीकल वाली, ठीक है। वो तीन तो क्या है, वॉल्वो का टिकट ये थोड़ी है 5,000 रुपीज़ का होगा तो ही जीएसटी लगेगा, 5,000 का टिकट होता ही नहीं है वैसे। बोल रहे उन तीन के अलावा, इसका मतलब उन तीन के अलावा वैसे भी कोई भी सर्विस अगर इंडिविजुअल को देगी तो एग्जाम था, बिजनेस एंटिटी को देगी तो ही टैक्सेबल था, वो भी आरसीएम के अंदर। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो बिजनेस एंटिटी पे लग रहा है, बिग बिजनेस एंटिटी पे लग रहा है, क्योंकि उन्हीं को गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है ना बड़ी बड़ी, तो उन्हीं पे टैक्स लग रहा है आरसीएम के अंदर, तो उन्हीं लोगों के लिए वो एग्जम्पशन है अल्टीमेटली देखा जाए तो, कि अगर 5,000 रुपीज़ तक की सर्विसेज ले रहे हैं तो, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है या नहीं मुझे मुझे बताओ। आगे आता हूँ, ये बहुत ही आसान है, इशुएंस ऑफ सर्विस, और ये मैंने बताया ना कि कोई पासपोर्ट की सर्विस, वीजा की सर्विस, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये गवर्नमेंट सोलली प्रोवाइड करती है, कोई प्राइवेट एंटिटी प्रोवाइड नहीं करती, इसलिए एग्जम्प्ट है।
नेचुरल रिसोर्सेज मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस आप पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस का मतलब ये होता है कभी भी माल पोर्ट पोर्ट पे आता है ना, अगर नॉर्मल वर्किंग आवर्स में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अदर देन नॉर्मल वर्किंग आवर्स में आ रहा है ना तो जो भी ऑफिसर को स्पेशली जाना पड़ता है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस। तो मतलब ओवर टाइम कर रहा है वो तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आपने आरटीआई से कॉपी मंगवाई सी इंस्टीट्यूट की, वही 3 नंबर कम क्यों दे दिए, 37 ही कैसे आए एग्जाम्प्ट। बस कुछ खास आता नहीं है। सर्विसेज टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को सर्विसेज मिली, ये सब आप पढ़ लेना, बहुत ईजी है, कोई काम काम किया नहीं। एक चीज़ और काम किया है, आर्टिस्ट इवेंट इवेंट। देखो पहली बात तो मैंने बोल्ड जो जो कर रखे ना वो देख लेना, बहुत सोच समझ के बोल्ड किए हैं। सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फॉक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म, पहली बात तो आर्टिस्ट कौन सा होना चाहिए, फॉक और क्लासिकल होना चाहिए। तीसरा, सर्विसेज कौन सी होनी चाहिए, म्यूजिक डांस और थिएटर की सर्विस होनी चाहिए। तो आर्टिस्ट कौन सा होना चाहिए, फॉक और क्लासिकल आर्टिस्ट होना चाहिए, और सर्विसेज होनी चाहिए म्यूजिक डांस और थिएटर की, इन 3 के अलावा नहीं। अगर वो परफॉर्मेंस दे रहा है और उसका कंसिडरेशन 1,50,000 रुपीज़ तक है तो एग्जाम एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं इस पॉइंट को, इसको टिक कर लेना, बहुत ईजी सा पॉइंट है। फॉक और क्लासिकल आर्टिस्ट है, परफॉर्मेंस दे रहा है म्यूजिक डांस और थिएटर की, कंसिडरेशन 1,50,000 तक है तो एग्जाम्प्ट, नहीं तो नहीं। म्यूजिक डांस थिएटर फॉक और क्लासिकल, बॉलीवुड वाला होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। देखो वेस्टर्न डांस म्यूजिक मॉडर्न थिएटर ये सब टैक्सेबल हो जाएंगे, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह है ना। एक पॉइंट और, वेयर इज योर नोट्स, ये सारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आप। सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टिकट अमाउंट इरेलीवेंट। काफ़ी सारे एग्जामिनर की कमेंट होते हैं कि बच्चे गलत कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सपोज करो ताजमहल का टिकट है 1,000 रुपीज़ का, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्यों, वो इस केस में आ गया म्यूजियम नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व और जू। और नीचे एक और है वो अम्यूजमेंट एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट लाइक ताजमहल वगैरह, इनमें आप गए कहाँ कहाँ गए, आप म्यूजियम में गए टाइगर देखने गए, शेर देखने गए, चीता देखने गए, बर्ड सेंचुरी में गए बर्ड देखने गए, या फिर आप ताजमहल गए, कुतुब मीनार देखने गए, उस पर पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता है, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, एग्जाम्प्ट हो जाता है। अब आओ दूसरा, ये तो हो गया ताजमहल और इस तरह की चीजें हो गई। दूसरा है कि अगर आप है ना आप किसी ऐसी चीज में गए, आप सर्कस वर्कस में गए, और आपको है ना आप है ना म्यूजिकल परफॉर्मेंस में गए, आप किसी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर गए, स्पोर्टिंग इवेंट के अंदर गए, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट इवेंट, मतलब अगर आप आईपीएल देखने गए तो 100 रुपये का भी टिकट हो तो भी टैक्सेबल है। लेकिन अगर आप इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच देखने गए तो ही बोल रहे हैं, अगर 500 रुपीज़ तक का टिकट है ना, 500 रुपीज़ तक का टिकट है ना, तब तो एग्जेम्प्ट है, उससे ज़्यादा का तो टैक्सेबल है। इसका मतलब 500 रुपीज़ तक का टिकट है किन किन चीज़ों में, सर्कस डांस थिएटर परफॉर्मेंस अवार्ड फंक्शन म्यूजिकल परफॉर्मेंस, ये सब एग्जेम्प्ट हो जाएगी अगर 500 रुपीज़ तक का है तो। लेकिन रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट है, अब इसमें कहीं नहीं सलमान खान की रातें देखने गए, चाहे 200 रुपीज़ का ही हो तो भी टैक्स लगेगा, 100 रुपये का हो तो भी टैक्स लगेगा, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है मूवी का टिकट कहीं लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया, बर्ड सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं ना, इन पर तो एग्जेम्प्ट है, और इन लोगों पर टैक्सेबल है। ठीक है, 500 रुपीज़ वाला, ये पॉइंट आप पढ़ लेना, बहुत आसान है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन वगैरह ये मैंने आपको बता रखा है, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन होती है जो फ्लैट्स वगैरह के मेंटेनेंस चार्ज वगैरह लेती है ना, तो अगर उसका खुद का टर्नओवर 20 लाख रुपीज़ है भाई, बिल्डिंग की लाइट भी जल रही है, लिफ्ट का भी खर्चा आ रहा है, ये सब मेंटेनेंस चार्जेस हो रहे हैं, तो अगर उसका टर्नओवर 20 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ गई। और वो एक फ्लैट से, एक फ्लैट की बात है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, ये कौन से कोर्ट का डिसीजन था, अगर एक फ्लैट से मोर देन 7,500 रुपीज़ ले रहे हैं तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है, और 7,500 या उससे कम, मतलब 7,500 है तो भी, मैंने एक चार्ट बना रखा, टेबल बना रखी, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और खुद ही अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो कितना ही अमाउंट ले कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्वेश्चन में पूछ ले एक ही इंसान के 2 फ्लैट हैं तो हर फ्लैट 7,500 काउंट होगा। ठीक है, पर्सन वाइज नहीं है, फ्लैट वाइज है लिमिट। ठीक है, चलो ये खत्म हो गया चैप्टर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। गवर्नमेंट की जितनी भी प्रोविजंस आना है इसको आप पढ़ लेना, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थी, चैरिटेबल ट्रस्ट गवर्नमेंट की, लीगल लीगल सर्विसेज और बता देता हूँ। लीगल सर्विसेज के अंदर क्या होता है, लीगल सर्विसेज हमेशा जब भी टैक्सेबल होंगी ना, जब भी टैक्सेबल होंगी वो हमेशा रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्सेबल होंगी, पहली बात तो ये ध्यान रख लो।
मोस्ट ऑफ द केसेस में लीगल सर्विसेज एग्जेम्प्ट होंगी, सिर्फ दो ही ऐसे केसेस हैं जहां लीगल सर्विसेज टैक्सेबल होंगी। लीगल सर्विसेज मतलब दो तरह के लोग होते हैं जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या कौन कौन से दो तरह के लोग होते हैं? वो दो तरह के लोग होते हैं, तो एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सीनियर एडवोकेट एक डेजिग्नेशन होता है जो बार काउंसिल डिसाइड करता है, ठीक है सर। अगर कोई एडवोकेट किसी बिजनेस एंटिटी को अपनी सर्विसेज देगा, किसको? अगर मेरे को देगा एग्जेम्प्ट, किसी स्मॉल बिजनेस एंटिटी को देगा एग्जेम्प्ट, अगर बड़ी बिजनेस एंटिटी को देगा मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर कोई भी एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगा तो वो आरसीएम के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। अब मैंने बताया हमेशा लीगल सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगी, दो ही केसेस में टैक्सेबल होगी। दो केसेस में पहला केस कौन सा है? अगर कोई भी बिजनेस एंटिटी, कोई भी अगर एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगा तो आरसीएम के अंदर टैक्स लगेगा, ठीक है। पहला केस तो अपन ने पढ़ लिया। दूसरा केस ये था कि अगर कोई भी अगर सीनियर एडवोकेट अपनी सर्विसेज देगा दूसरे एडवोकेट को, जैसे होते हैं ना सीए फर्म एक सीए फर्म को सर्विसेज दे रही है, तो अगर कोई नॉर्मल एडवोकेट दे रहा है तो टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर कोई सीनियर एडवोकेट दे रहा है, किसी दूसरे एडवोकेट को दे रहा है, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, तो क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। अपने दो केसेस पढ़ लिए, कौन से? एक तो बिजनेस एंटिटी वाला जो एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी अब ये याद रख लो, ठीक है। आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये चैप्टर खत्म हो गया। कुछ ज़्यादा खास दो जो इम्पोर्टेंट थे, लीगल सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, एग्रीकल्चर सर्विसेज, चैरिटेबल, रिलीजियस, हेल्थ केयर, ये सब हम पढ़ चुके। ट्रांसपोर्टेशन, GTA, बस ये इम्पोर्टेंट थी, ये सब हम पढ़ चुके। अभी म्यूज़िक वाला, एडमिशन एंट्रेंस वाला, ये हम पढ़ चुके। RBI 2 और बाय, ये सब हम पढ़ चुके। बाकी आप छोटी छोटी सी आप देखोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक ही बार में, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है सर। अगर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो RCM लगेगा भाई। आपको शौक है तो दो, आप जब आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो RCM में दो टैक्स, फिर क्या दिक्कत है? इसके क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार एग्जम्पशन के। आओ एग्जम्पशन के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहे क्वेश्चंस ऑफ एग्जम्पशन, कुछ भी बड़े बड़े जो क्वेश्चन है वो करा देता हूँ। देखो अभी क्या बोल रहे, वेदांता हॉस्पिटल है गुरुग्राम के अंदर, उसका एक रेस्टोरेंट है अन्नपूर्णा भवन। वही हॉस्पिटल वाला केस क्या है? अपने पेशेंट को देगा तो एग्जेम्प्ट है, किसी आउटडोर को देगा तो टैक्सेबल है। पेशेंट के केस में कंपोजिट सप्लाई आ जाएगी तो एग्जेम्प्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये सब है इसके अंदर, आप पढ़ लेना। देखो नॉट एडमिटेड, जो पेशेंट एडमिट नहीं हुआ उसका टैक्सेबल है, विजिटर आर टैक्सेबल, नॉट एडमिटेड विजिटर टैक्सेबल। और जो भी पेशेंट जो भर्ती है उसका कंपोजिट सप्लाई मान लेंगे, देखो कंपोजिट सप्लाई मान लेंगे और एग्जेम्प्शन दे देंगे, ठीक है। IIM का अपन ने पढ़ा था, एक एग्जाम के अंदर ये पूछ सकते हैं, अगर कोई कॉलेज जैसे सी इंस्टीट्यूट कैंपस की सर्विसेज दे, कैंपस की सर्विस दे रहा है मतलब कोई कंपनी आ रही है उसको सर्विसेज दे रहा है सी इंस्टीट्यूट। मैंने आपको बताया था सर्विसेज प्रोवाइड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ, स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को कोई भी सर्विसेज दे तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर सी इंस्टीट्यूट ICICI बैंक कैंपस में आ रहा है उसको अगर सर्विसेज दे रहा है, ICICI बैंक पैसा देगा सी इंस्टीट्यूट को कि भाई साहब हमको रिसोर्सेज चाहिए, आपको पैसा देते हैं हम, आप है ना। सी इंस्टीट्यूट अगर ICICI बैंक को कोई भी सर्विस दे रहा है ना तो उस पर टैक्स लगेगा, मतलब कोई भी अगर कैंपस में किसी भी कंपनी को सर्विस दे रहा है ना कोई भी, तो उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फिर भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख रहा हूँ बस। देखो बस फीस कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट से बस फीस कलेक्ट करी,
प्रोवाइडिंग एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, स्टूडेंट से बस फील्ड कलेक्ट करी है अपन ने, एग्जाम्प्ट है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोई भी सर्विस दे स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को, एग्जाम्प्ट है। हाउसकीपिंग सर्विसेज दी स्कूल के लिए, एग्जाम्प्ट है। तो हम पढ़ चुके, ये देखो, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्यूलिंग फॉर यूज ऑफ रेजिडेंस, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्यूलिंग हमेशा एग्जाम्प्ट होता है, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्यूलिंग हमेशा एग्जाम्प्ट होता है, याद रखना जीएसटी के अंदर, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्यूलिंग हमेशा एग्जाम्प्ट होता है। रेंटिंग ऑफ रूम फॉर डिवोटी 1000 रुपीज से कम है, एग्जाम्प्ट होगा, अपने पढ़ा था कल्याण मंडपम, और ये 10,000 रुपीज से इसके चार्जेस ज्यादा है कल्याण मंडपम के, टैक्सेबल हो जाएगा। रेंटिंग ऑफ ओपन हॉल एंड स्पेस 7,500, 10,000 तक एग्जाम्प्ट है, ठीक है, 10,000 तक एग्जाम्प्ट। देखो रेंटिंग ऑफ ओपन हॉल 10,000 से कम है, शॉप 10,000 से कम है, रेंटिंग ऑफ शॉप फॉर बिजनेस 10,000 से ज्यादा एक्सीड कर रही है, तो इस केस में क्या क्या टैक्सेबल होगा। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्यूलिंग हमेशा एग्जाम्प्ट लिख लो, याद रख लो, दिमाग में बिठा लो। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्यूलिंग का मतलब क्या होता है, किसी को किराए पे घर देना वो एग्जाम्प्ट हो जाता है, किसी को भी किराए पे घर दिया एग्जाम्प्ट हो जाता है, गवर्नमेंट ने मान दिया किराए पे घर ले रहा है, इस पर क्या जीएसटी लगाए वैसे बेचारे पे, एग्जाम्प्ट। डिवोटी का कमरा 1000 रुपीज से कम था तो एग्जाम्प्ट था, कल्याण मंडपम टैक्सेबल, 1000 भी होता तो भी टैक्सेबल था, ठीक है, याद होगा। रेंटिंग ऑफ हॉल एंड ओपन स्पेस टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट, 10,000 से कम है। रेंटिंग ऑफ शॉप फॉर बिजनेस 10,000 से कम, एग्जाम्प्ट, शॉप फॉर बिजनेस 10,000 से ज्यादा टैक्सेबल, ठीक है। देखो सर्विस अमाउंट चार्ज फॉर सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट इवेंट एज अ सेलेक्ट नेशनल टीम, आप पढ़ लेना, बहुत इजी क्वेश्चन करा रखा हूँ, कोई डाउट हो तो पर्सनली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सारे क्वेश्चन आता नहीं, ये क्वेश्चन बहुत इनडेप्थ कराया था मैंने, ये वाला ये बार बार एनटीपी आरटीपी का क्वेश्चन है, काफी बार पूछ चुके। एक दिन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की क्लास लूंगा, एक दिन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की क्लास लूंगा, बाकी किसी चीज की क्लास नहीं लूंगा, तब करा दूंगा सारे क्वेश्चन। एक दिन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ाऊंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये देखो, मिल्क सप्लाई कर रहे हैं, मिल्क एग्जाम्प्ट है, वैसे भी मंडोर एक्सप्रेस में मिल्क आता है ना, ठीक है, आप पढ़ लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ट्रांसपोर्ट वाला 600 रुपीज़, 750 रुपीज़ जो लिमिट थी ना वही है बस, कुछ भी नहीं है। बाकी क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा ना, अभी 3 घंटे का लेक्चर लूंगा, इसमें सारे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, प्रोविजन नहीं पढ़ाऊंगा, तब सारे क्वेश्चन करा दूंगा, अब तक के जो लेटेस्ट क्वेश्चन थे ना वो सब, बाकी मॉड्यूल वाले तो ईजी हैं जो हमने नॉर्मल क्लास में भी देख रखे हैं। कौन सा चैप्टर उठाऊं मुझे बता दो एक बार, आई नो आप लोग बोर हो रखे होंगे, आपका होता है शायरी वायरी सुना देता हूँ मैं आपको, मस्त थोड़ी जान आ जाएगी आपके अंदर। देखो मैं भी थोड़ा ऐसे ही थका हुआ हूँ, बीमार हूँ, तो अब इसलिए ऐसा थोड़ा लग रहा है, शाम को तो बहुत अच्छा था लेकिन वो फ्लो टूट गया पर पार्ट फर्स्ट के बाद। गुलजार की शायरी एक बोलता हूँ, तो शायर बनना बहुत आसान है, शायर बनना बहुत ही आसान है, बस एक अधूरी मोहब्बत की मुकम्मल डिग्री चाहिए, इन डेप्थ है। कौन सा चैप्टर कराऊँ आगे वाला मुझे बताओ, ऐप पे तो हमने काफ़ी गाने भी गाए, ऐप पे क्लास का थोड़ा अलग माहौल होता है, जो ITC की क्लास होगी। शायरी प्लीज रिफंड, शायरी प्लीज, सौम्या ने भी मुझे शायरी भेजी थी, सर आप ये क्लास में बोल सकते हैं।
रिफंड के करवा दो, दो चार प्रैक्टिकल क्वेश्चन। वैसे मैंने रिफंड के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, लेकिन अभी करवा देता हूँ, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत अंदर तक जला देती हैं वो शिकायतें जो कभी बयान नहीं होती। बहुत सही बात है और बहुत इंडेम बात है, ध्यान से सोचो तो। TDS और TCS इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, करा दूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अपील्स एंड रिवीजन, अपील एंड रिवीजन तो फिर वो पूरा का पूरा एक पार्ट, पूरा का पूरा एक साथ ले लूंगा मैं ये वाला पार्ट। अभी अपन ने क्या क्या कर लिया, प्लेस ये 4 से 7 तक कर लिए है ना। अब एक बार आ जाओ ये छोटे वाले चैप्टर पे, असेसमेंट, ऑडिट, इंस्पेक्शन, डिमांड रिकवरी, अपील एंड रिवीजन, एडवांस रूलिंग, इन पे आते हैं। उसके बाद रिफंड करेंगे फटाफट फटाफट, हर चैप्टर को 10 मिनट देंगे और काम खत्म करेंगे। इतना ही है, बाकी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इतना ही है ना। आओ नोट्स खोलता हूँ मेरे। ज़्यादा है कि नहीं, छोटे छोटे चैप्टर हैं लेकिन नंबर पूरे के पूरे देखे जाते हैं, छोटे छोटे से चैप्टर पूरे के पूरे नंबर लेके जाते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया चैप्टर हैं। असेसमेंट एंड ऑडिट से शुरू करते हैं, ठीक है। ये मेरा गर्म पानी था। असेसमेंट ऑडिट से शुरू करते हैं, ठीक है। एक बार लिख दो मुझे, ओके ओके शुरू करते हैं। एनर्जी लाओ यार अपने अंदर से, ये बनने वाले हो तुम, अब एकदम एनर्जेटिक रहो, ढीले ढीले मत रहा करो। जेनी हाय, हाउ आर यू? देखो थोड़ी सी कहानी बनाता हूँ असेसमेंट एंड ऑडिट की, क्या कहानी है जहाँ से सुन। बहुत ही आसान सा चैप्टर है असेसमेंट एंड ऑडिट, अभी 5-5 10-10 मिनट के चैप्टर हैं सारे। मेरे नोट्स खोल रहा हूँ मैं, बस 1 सेकंड। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट मतलब आप खुद असेसमेंट कर रहे हो कि भाई हमारी रेट क्या लगेगी, टैक्स क्या लगेगा। असेसमेंट मतलब कुछ निकालना, असेस करना, ठीक है। असेसमेंट का क्या मतलब है? सिंपल सा यही मतलब है। असेसमेंट एंड ऑडिट शुरू करते हैं। देखो असेसमेंट में क्या होता है, इसके अंदर सेक्शन होते हैं, सेक्शन 59 से 64 असेसमेंट एंड ऑडिट चलता है। सेक्शन हमें वैसे याद करने नहीं, लेकिन रेफरेंस के लिए काम आ सकते हैं, तो आप उसको मन में सोच लेना। शाबाश लिख रहे हैं सर, यहाँ मर रहे हैं मेरा, आप शायरी सुन रहे, टेंशन मत रहा करो यार, चल रहा करो। अपना 100% दो, होगा जो देखा जाएगा। देखो सेक्शन 59 बोलता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब आप खुद ही असेस कर रहे हैं अपनी लाइबिलिटी, खुद ही निकाल रहे हैं, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट उसको बोलते हैं, ठीक है। आप खुद का खुद ही निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल हिमसेल्फ असेस द टैक्स लाइबिलिटी, वो खुद ही अपनी टैक्स लाइबिलिटी निकाल रहा है, उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। फिर आते हैं प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है?
प्रोविजन असेसमेंट क्या होता है, लेट्स सपोज मुझे कोई सामान बेचना है, ठीक है, आई वॉन्ट टू सेल एनी गुड। मैं डिपार्टमेंट के पास गया, जीएसटी डिपार्टमेंट के पास, और उन्होंने बोला कि मुझे सर, मुझे इस गुड या सर्विसेज की रेट बता दो, रेट क्या होगी, मुझे नहीं पता इसकी रेट क्या है। डिपार्टमेंट ने बोला हमें भी नहीं पता, लेकिन हम प्रोविजनल बेसिस पे आपको बता देते हैं, प्रोविजनल बेसिस पे मतलब, ठीक है। तो ठीक है, प्रोविजनल बेसिस पे आप डिपार्टमेंट ने बता दिया, सपोज करो इनकेस गलत निकल गई वो रेट, मतलब रेट डिपार्टमेंट ने बताई 12% और एक्चुअल में 18% निकल गई, तो ये नहीं कि फिर भाई आपसे बाद में पेनल्टी ली जाए, फिर डिपार्टमेंट ने बताइए ना प्रोविजनल बेसिस पे। ऑल दो इंटरेस्ट लगेगा, जो डिफरेंस का अमाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा, पर पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है, ये बात है। प्रोविजनल बेसिस का मतलब क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड, या तो वैल्यू बताओ या रेट बताओ जीएसटी की, ठीक है, प्रोविजनल बेसिस पर डिपार्टमेंट बताएगा। अब प्रोविजनल बेसिस पे क्या होता है, देखो दो केस होते हैं प्रोविजनल बेसिस पे। सपोज करो आप डिपार्टमेंट के पास गए, ठीक है, आप डिपार्टमेंट के पास गए, उनको बोला हमारा प्रोविजनल बेसिस पे कैलकुलेट कर दो, डिपार्टमेंट ने आपकी रेट बता दी 18%, आप बोले नहीं नहीं हमें तो 12 ही लग रहा है, मतलब कि आप ज़्यादा बता रहे, ठीक है, तो डिपार्टमेंट बोलेगा एक काम करो बॉन्ड भर दो, हम प्रोविजनल बेसिस पे बॉन्ड भर दो। बॉन्ड में क्या होता है, दो तरह का बॉन्ड होता है, एक तो होता है सिक्योरिटी, एक होता है श्योरिटी, एक होता है सिक्योरिटी, एक होता है श्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब बैंक गारंटी वगैरह दे दो आप, वही कल को डिफरेंस भी निकल गया तो आप हमें पेमेंट तो आना चाहिए ना हमारे पास। दूसरा श्योरिटी क्या होता है, भाई आपके भी आप पे मैं श्योरिटी दे दूँ, इस तरह की श्योरिटी होती है। तो बॉन्ड होता है सिक्योरिटी, बैंक गारंटी। अब देखो कितने का बॉन्ड होता है, ये ध्यान से सुनो, बॉन्ड कितने रुपीज़ का होता है। सपोज करो एक वन लाख रुपीज़ का कोई आइटम है, उस पर आपने बोला कि रेट लगनी चाहिए 12%, डिपार्टमेंट बोला 18%, फिर आप डिपार्टमेंट को बोला नहीं नहीं 12% ही लगनी चाहिए, तो डिपार्टमेंट ने मान लिया चलो 12% ले लेते हैं, पर डाउट भी था कि 18% भी लग सकती है। तो अब टैक्स रेट या तो बनेगा 18,000 या बनेगा 12,000, ठीक है, डिफरेंस आ रहा है 6,000 रुपीज़ का। तो बॉन्ड 6,000 रुपीज़ का नहीं भरना, 6,000 रुपीज़ का जो 25% है ना, उतने का बॉन्ड तो कम से कम होना ही चाहिए, मतलब 1,500 रुपीज़ का बॉन्ड, ठीक है। देखो अब यही बात यही बोलेगा, ये सब्जेक्ट टू 25% ऑफ द अमाउंट, अमाउंट पे स्टार लगा रखा है, वही स्टार का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया। अभी बोल रहे हैं अभी तो चलो प्रोविजनल असेसमेंट ही आया था, एस्टिमेटेड। प्रोविजनल के बाद दूसरा असेसमेंट आता है फाइनल असेसमेंट। फाइनल असेसमेंट कितने दिनों में आ जाना चाहिए, प्लस 6 मंथ्स के अंदर आ जाना चाहिए फ्रॉम द डेट, जब से प्रोविजनल असेसमेंट आया ना उसके 6 मंथ्स के अंदर फाइनल असेसमेंट आ जाना चाहिए, जब से प्रोविजनल असेसमेंट आया ना उसके 6 मंथ्स के अंदर फाइनल असेसमेंट आ जाना चाहिए। एडिशनल कमिश्नर चाहे तो 6 मंथ्स का टाइम और ले सकता है, वो एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर मतलब छोटा कमिश्नर, जॉइंट या एडिशनल कमिश्नर चाहे तो 6 मंथ्स की जगह 12 मंथ्स कर सकता है वो। इसका मतलब भाई कोई भारी सा केस है जो अपन डिटरमाइन ही नहीं कर रहे कि इस पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, रेट क्या होनी चाहिए, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है तो 12 मंथ्स ले लो अगर जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर बोले तो। और केस अगर कमिश्नर तक चला जाता है और वो पता ही नहीं चल पा रहे हैं, तो कमिश्नर चाहे तो 4 ईयर्स का टाइम और बढ़ा सकता है, कमिश्नर चाहे तो 4 ईयर्स का टाइम और बढ़ा सकता है, ठीक है। गर्म पानी काढ़ा पीते रहना चाहिए, कोविड से बचना है तो। ये अपन ने पढ़ लिया प्रोविजनल असेसमेंट और फाइनल असेसमेंट। फाइनल असेसमेंट कब तक आएगा, अब प्रोविजनल असेसमेंट देखो, पहला हुआ सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 59, फिर खुद से निकाल लिया प्रोविजनल असेसमेंट, डिपार्टमेंट प्रोविजनल बेसिस पे निकलवा लिया। फाइनल असेसमेंट कब तक आ जाना चाहिए, 6 मंथ्स के अंदर आ जाना चाहिए। और एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर चाहे तो 6 मंथ्स का टाइम और बढ़ा सकता है, और मेन कमिश्नर चाहे तो 4 ईयर्स का टाइम और बढ़ा सकता है। अभी तक अपन ने पढ़ लिया सेक्शन 59 सेल्फ असेसमेंट, सेक्शन 60 सेक्शन वगैरह याद रखने नहीं है, वैसे जो याद रखने होंगे मैं खुद बता दूंगा। सेक्शन 65 और 66 याद रखने के, जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस वही चीज़ याद रखेंगे, बाकी चीज़ याद रखेंगे है नहीं कहाँ से, ठीक है। अब ये ऐसे कह रहा है कि सपोज करो अगर फाइनल असेसमेंट के अंदर आपकी लायबिलिटी ज़्यादा है,
टैक्स रेट ज़्यादा लगनी चाहिए फाइनल असेसमेंट के अंदर, तो आपको कुल मिला के पैसा और देना पड़ेगा और इंटरेस्ट और देना पड़ेगा। और मान लो आपकी लायबिलिटी कम है तो आपको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 डेज के अंदर एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। जब से आपको रिफंड चाहिए ना, आप रिफंड के लिए जब से आपको लग रहा है कि हाँ भाई फाइनल असेसमेंट आ गया, तो आप एप्लीकेशन लगाओ, ठीक है, एप्लीकेशन लगाओ, एप्लीकेशन लगाओ, कभी भी लगाओ, एप्लीकेशन की कोई टाइम नहीं है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट ने 60 डेज के अंदर रिफंड कर दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर 60 डेज के अंदर रिफंड नहीं करा तो फिर 61st डे से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। हमारे केस में क्या होता है, पहले दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, लेकिन डिपार्टमेंट अगर लाइबिलिटी डिपार्टमेंट को अगर पैसा देना होता है ना, तो 60 डेज आप एप्लीकेशन लगाने के 60 डेज बाद तक अगर पेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट लगना शुरू होता है। जनरली क्या होता है, हमको अगर रिफंड मिलना होता है तो वो मिलता है 6% की रेट से, और हमको अगर इंटरेस्ट देना पड़ना पड़ता है तो वो पड़ता है 18% की रेट से। ये पार्शलिटी है। अब आते हैं स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न। स्क्रूटनी क्या होता है, अगर आपने सेल्फ असेसमेंट करा तो आपकी स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी मतलब आपने सेल्फ असेस करा, सही करा या नहीं करा। भाई जब प्रोविजनल करा था वो तो डिपार्टमेंट ने करा, तो स्क्रूटनी क्या ही करनी उसकी, तो जब डिपार्टमेंट के लोग ही कर रहे हैं वो तो प्रोविजनल, तो पर सेल्फ असेसमेंट में आपने करा तो उसकी स्क्रूटनी होगी। सब कुछ सही निकला, कोई दिक्कत नहीं। अगर गड़बड़ी निकली तो 30 डेज के अंदर अपने आप अपनी गलती सुधार लो, या आप हमें समझा दो कि आपने गलती नहीं करी। और अगर आपने 30 डेज के अंदर अपनी गलती नहीं सुधारी तो डिपार्टमेंट एक्शन लेगा, डिमांड एंड रिकवरी और इंस्पेक्शन वगैरह ये सब करवाएगा, ठीक है। देखो ये सेक्शन 50 65 के अंदर ऑडिट करवा देगा, 66 के अंदर CAC ऑडिट करवा देगा, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी तक अपन ने 3 सेक्शन पढ़ लिए, सेक्शन 59, 60 और 61। 59 मतलब सेल्फ असेसमेंट, 60 मतलब प्रोविजनल असेसमेंट, 61 मतलब स्क्रूटनी असेसमेंट। तीनों ही केसेस में असेसमेंट तो हुआ, या सेल्फ हुआ हो, जो प्रोविजनल हुआ हो, जो स्क्रूटनी हुआ हो। सेक्शन 62 से 65, तो 62 से 63 और 64 यहाँ असेसमेंट ही नहीं, मतलब कुल मिला के तीन 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 तरह के पेयर में सेक्शन बट गए। 59 से 62, 63 और 62 और 63 के अंदर कोई असेसमेंट नहीं है। 62 और 63 के अंदर कोई असेसमेंट नहीं है। देखो ध्यान से सुनो, असेसमेंट और नॉन फाइनल रिटर्न क्या हो रहा है। इन्होंने ये लोग ऐसे थे जिन्होंने रिटर्न ही नहीं भरी, और रिटर्न इनको रिटर्न भरनी थी, GST पे करना था। मतलब इन लोगों ने असेसमेंट नहीं करा अपना, रिटर्न ही नहीं भरी तो असेसमेंट क्या करा होगा। पॉइंट समझे भाई, सेक्शन 59 के अंदर तो सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, कम से कम असेसमेंट तो कर रहे हैं, ये तो रिटर्न ही नहीं भरे, असेसमेंट तो कोई दूर की बात है। तो उन लोगों का असेसमेंट कैसे करें जो लोग खुद ही असेसमेंट नहीं करे, रिटर्न ही नहीं भरे। तो देखो क्या होता है, रिटर्न चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, सेक्शन 39 के अंदर रिटर्न जाती है, ठीक है। सेक्शन 39 के अंदर रिटर्न जाती है, रिटर्न जाने के बाद 15 दिन का टाइम देते हैं, 15 डेज का टाइम अलॉट होता है। तो सेक्शन 46 में हम पढ़ेंगे कि अगर रिटर्न टाइम पर नहीं भरते तो नोटिस आता है कि 15 डेज में रिटर्न भर दो। रिटर्न टाइम पर नहीं भरी तो नोटिस आता है कि 15 डेज के अंदर रिटर्न भर दो, नहीं तो बैच जजमेंट असेसमेंट होगा, ठीक है। सेक्शन 62 बोलता है बैच जजमेंट असेसमेंट के बारे में, मतलब अगर आपने रिटर्न नहीं भरी तो पहले 15 डेज को आपको टाइम दिया जाता है कि आप रिटर्न भर लो। अगर 15 डेज के अंदर भी रिटर्न नहीं भरी तो आपके ऊपर बैच जजमेंट असेसमेंट होगा, ठीक है। बैच जजमेंट असेसमेंट कब तक हो सकता है, 5 ईयर्स तक बैच जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। कब तक हो सकता है, 5 साल तक, मतलब 5 ईयर्स तक बैच जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। सर 5 ईयर्स से कब तक, मतलब 5 ईयर कब से शुरू होंगे, जिसकी वो एनुअल रिटर्न थी ना, लेट सपोज फाइनेंशियल ईयर 2021 की एनुअल रिटर्न है, कब तक भर सकते हैं। मान लो कोई जून का कोई घपला है, जून जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर 2021 उसका कोई घपला हो रहा है, मतलब कोई गड़बड़ है, मतलब रिटर्न नहीं भरी है, कुछ भी हुआ है ना। अब उसका बैच जजमेंट कब तक कर सकते हैं, 5 ईयर्स के अंदर। फाइनेंशियल ईयर लेट सपोज फाइनेंशियल ईयर 2021 की रिटर्न कब तक भर सकते हैं, 31 दिसंबर 2021 तक रिटर्न भर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 2021 की, प्रीवियस ईयर 2021 की रिटर्न कब तक भर सकते हैं, 31 दिसंबर 2021। यहाँ से 5 ईयर्स, मतलब 31 दिसंबर 2026 तक बैच जजमेंट कर सकते हो। बैच जजमेंट कहाँ से करना है, 5 ईयर, यहाँ से 5 ईयर्स काउंट होंगे। आई होप ये चीज क्लियर है। काफी कम बच्चे लाइव हैं, क्या बात है, 2-5 मिनट बातें करते हैं, कैसे हो आप लोग बताओ। ऐश्वर्या रिफंड कैसे हो आप लोग मुझे बताओ।
2-5 मिनट पढ़ना बंद कर दो, मुझे बताओ कैसे, किस चीज़ का गम सता है तुम लोगों को, मुझे बताओ किस चीज़ की टेंशन है। ये चैप्टर तो ख़त्म होने वाला है, जितने भी बच्चे लाइव हैं मुझे बताओ, कोई भी जगह लिख के एग्जाम की चिंता हो रही है सर, क्या चिंता करनी, देखो अपनी तरफ से आप बेस्ट कर रहे हो, भगवान ने जो लिखा है वो होगा, हम हमारी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, हम हमारी तरफ से बेस्ट देने के बाद में फेल होते हैं तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, हमने हमारी तरफ से जितनी हमारे बस की थी हमने कर लिया, हम जो कर सकते थे कर लिया, हर हर बच्चा यही चाहता है कि अपने कि मैं पास हो जाऊं, अब अपना बेस्ट दो, ऐसे हालांकि सेटिस्फेक्शन मिलता है अगर हमने जितनी मेहनत करी उसका रिजल्ट मिल जाता है, हमारे पेरेंट्स भी खुश होते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है, तो टेंशन ही टेंशन है, क्या बताऊँ, ऐसी जिंदगी कट जाएगी कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि लाइफ का ही बेसिक मतलब क्या है, मतलब क्या ही हो रहा है, तो कोई ऐसा नहीं है, देखो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, आप अपने पेरेंट्स के लिए अपने घर वालों के लिए कुछ करते हैं मतलब अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है, बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप जितने भी एफर्ट्स कर रहे हो ना कभी वेस्ट नहीं जाते, आपको एक ना एक दिन भगवान ऐसा आउटपुट देगा, सब कुछ भरपाई हो जाएगी आपको, हो सकता है आप एक कई बच्चे ऐसे भी दो दो साल से तीन तीन साल से कोशिश कर रहे हैं लेकिन बन नहीं रही है बात, एक ही बार में सारी कहानी सेट हो जाती है, इसलिए बनने की एक चीज़ ध्यान से सुन लो, सेक्शन 61 क्या बोलता है, 61 के अंदर क्या होता है, असेसमेंट ऑफ नॉन, देखो सेक्शन 62 असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, मतलब जो लोग रिटर्न नहीं भर रहे, अब ध्यान से सुनना, सेक्शन 62 के अंदर वैसे लोग आ रहे हैं जो रजिस्टर्ड तो हैं जीएसटी के अंदर लेकिन रिटर्न नहीं भर रहे, रजिस्टर्ड तो अगर मैंने पहले कुछ गलत बोल दिया तो फिर से बोल रहा हूँ, सेक्शन 62 के अंदर कौन लोग आ रहे हैं जो रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन रिटर्न नहीं भर रहे, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न मतलब जो लोग रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन रिटर्न नहीं भर रहे, सेक्शन 63 क्या बोलता है, मतलब रिटर्न नहीं भरे मतलब असेसमेंट नहीं करा, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन बोले तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, 59 60 और 61 में कम से कम असेसमेंट तो खुद तो कर रहे थे, किसी ना करवा रहे थे कुछ तो कर रहे थे, 62 63 के अंदर तो असेसमेंट ही नहीं हो रहा, डिपार्टमेंट खुद ही कर रहा है, बोले आप अनरजिस्टर्ड है आपका असेसमेंट, आप रजिस्टर्ड तो है लेकिन आप रिटर्न ही नहीं भर रहे, रिटर्न ही नहीं भर रहे तो कहां से असेसमेंट करें, देखो फेज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, भाई वो रजिस्ट्रेशन भी एलिजिबल था, उसका टर्नओवर क्रॉस कर गया, उसको जीएसटी पे करना था लेकिन रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया, उस केस में भी डिपार्टमेंट बैच जजमेंट असेसमेंट कर देगा, 15 डेज़ का टाइम देगा, पहले तो रिटर्न रिटर्न भरने के लिए 15 डेज़ के टाइम के बाद डिपार्टमेंट क्या करेगा, 5 साल के अंदर 5 ईयर्स के अंदर डिपार्टमेंट बैच जजमेंट असेसमेंट कर सकता है, कहाँ से, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, यहाँ से डिपार्टमेंट बैच जजमेंट असेसमेंट कर सकता है, ठीक है। समरी असेसमेंट क्या होता है, समरी असेसमेंट क्या होता है, देखो किसी के ऊपर कोई प्रोसीडिंग चल रही हो और डिपार्टमेंट को लग रहा है कि भाग जाएगा, जैसे नीरव मोदी है, विजय माल्या है, डिपार्टमेंट को लग रहा है फरार हो जाएगा, प्रोसीडिंग तो चल रही है, पता नहीं अब तक कंक्लूजन नहीं निकला, केस का फाइनल रिजल्ट नहीं आया, प्रोसीडिंग चल रही है और डिपार्टमेंट को लग रहा है निकल लेगा, तो डिपार्टमेंट अपना रेवेन्यू सेफ गार्ड करने के लिए, टू सेफ गार्ड द रेवेन्यू, डिपार्टमेंट क्या करेगा अपना रेवेन्यू सेफ गार्ड करने के लिए, कि उससे पहले ही पैसा ले लेगा, और अगर वो पर्सन आके ऐसे कह दे, जॉइंट कमिश्नर को आके ऐसे बोल दे कि है ना मैं नहीं भागने वाला, आप प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करें, और उस चीज़ के प्रूफ दे वो, तो उस चीज़ को कंसिडर करा जा सकता है, ठीक है। अब क्या बात हुई समरी असेसमेंट की, कि अगर डिपार्टमेंट को लगता है ये पर्सन भाग जाएगा तो डिपार्टमेंट, देखो द प्रॉपर ऑफिसर हैज सफिशियंट ग्राउंड टू बिलीव दैट द डिले इन पासिंग द असेसमेंट ऑर्डर में अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, कि भाई रेवेन्यू में फर्क पड़ेगा, तो क्या कर सकता है, विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉल भी हो सकता है, कब विड्रॉल हो सकता है, जब वो पर्सन एप्लीकेशन दे दे ऑन ये सारा लेक्चर एक 4 घंटे का लेक्चर है मेरा, अभी इस तरह के छोटे छोटे चैप्टर मैंने इन डेप्थ समझाया उसके अंदर, अगर आपको पहली बार पढ़ रहे हो तो वहाँ से पढ़ लो, रिविजन कर रहे हो पहले से कुछ कुछ पता है तो यहाँ से देख, विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, तो वो ये रिविजन चल रहा है, ये कोई ये नहीं चल रही कि भाई पहली बार मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना, असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ कर रहे हैं, पहली बार जब मैं पढ़ाया बहुत अच्छे समझाया है, एक ही चीज़ इन डेप्थ समझाई है आपको, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, सारे यूट्यूब पे और ऐप पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ नहीं करना है ऐप पे AKG 1 0 कोड डालना है और क्लास फ्री में देख लेंगे।
30 डेज के अंदर वो बोलते कि नहीं मैं कुछ भागने वाला नहीं हूँ, आप ऐसे कैसे सोच रहे हो, मैं आप सोच भी कह सकते हो कि मैं भाग जाऊँगा, उस केस में असेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, सेक्शन 65 और 66। सेक्शन 65 क्या होता है, बोले ऑडिट कर रहा है डिपार्टमेंट। इस केस में इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सामने वाले पार्टी ने कुछ गड़बड़ी करी है इसलिए ऑडिट कर रहा है, ऐसे भी ऑडिट कर सकता है डिपार्टमेंट चाहे तो। गड़बड़ी वाली ऑडिट होती है सेक्शन 66 वाली और नॉर्मल ऑडिट होती है सेक्शन 65 वाली, ठीक है। ये आप पढ़ लेना सेक्शन 65 और 66, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। इसमें बोल रहा है कि ऑडिट कब तक खत्म हो जानी चाहिए, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, 3 मंथ्स के अंदर ऑडिट खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन कमिश्नर चाहे ना 6 मंथ्स तक का एक्सटेंशन और दे सकता है। द पीरियड इज फर्दर द एक्सटेंशन पीरियड मैक्सिमम 6 मंथ्स, मतलब 3 + 6 मतलब 9 मंथ्स तक टोटल ऑडिट हो सकती है। डिपार्टमेंट खुद ही ऑडिट करता है इस केस में। देखो व्हेन वेयर इट इज डिसाइडेड टू अंडरटेक द ऑडिट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू अ नोटिस नॉट लेस देन 15 वर्किंग डेज प्रायर टू द कंडक्ट ऑफ ऑडिट। लेट सपोज मुझे आपके यहाँ ऑडिट करने आनी है, सेक्शन 65 के अंदर डिपार्टमेंट ही ऑडिट करता है, 15 डेज का पहले तो नोटिस देगा डिपार्टमेंट, ठीक है। दूसरा, ऑडिट कब तक हो जानी चाहिए, 3 मंथ्स के अंदर ऑडिट हो जानी चाहिए और 6 मंथ्स का टाइम पीरियड का एक्सटेंशन मिल जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन, ऑडिट खत्म होने के बाद 30 डेज के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन को बताया जाएगा कि आपके ऑडिट में क्या क्या निकला, ठीक है। और अगर कुछ गलतियां निकली, कुछ कमियां निकली, तो सेक्शन 73 और 74 मतलब डिमांड, मतलब कुछ कमियां रह गई तो हम डिमांड करके पैसा निकल पाएंगे, ठीक है आपसे। स्पेशल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट का नोटिस जब भी आया तो समझ लेना कुछ आपने घफला किया हुआ है, इसलिए डिपार्टमेंट को लग रहा है कि आपने कोई घफला किया हुआ है, इसलिए डिपार्टमेंट सीए या सीएमए से आपके ऑडिट करवाएगा, ठीक है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो चीज़ है टाइम लिमिट ही है, उस केस में 30 + 60 डेज मतलब 90 डेज थी। इस केस में क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट हैज नॉमिनेट बाय द कमिश्नर, कमिश्नर नॉमिनेट करेगा विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज, मतलब 90 डेज के अंदर कमिश्नर में एक्सटेंड द पीरियड ऑफ 90 डेज, मतलब देखो 90 डेज के अंदर रिपोर्ट जमा करानी होगी। उस केस में क्या था, 3 मंथ्स + 6 मंथ्स 90 + 60 180 है ना, उस केस में ये था। इस केस में कितना है, 90 डेज के अंदर रिपोर्ट देनी पड़ेगी, अगर कमिश्नर चाहे असिस्टेंट कमिश्नर चाहे तो 90 डेज का पीरियड और बढ़ा सकता है। इस केस में ऑडिट की कॉस्ट कौन बेयर करेगा, कॉस्ट कौन बेयर करेगा, डिपार्टमेंट की ऑडिट की कॉस्ट बेयर करेगा, डिपार्टमेंट ऑडिट की कॉस्ट बेयर करेगा। इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं था खास, पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं सेक्शन 65 और 66 से। लेट अस रिकैपिटुलेट, देख लीजिए प्रोविजनल असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट आपको पता ही है कि आपने प्रोविजनली रेट निकलवाई या वैल्यू निकलवाई प्रोविजनल बेसिस पे। स्क्रूटनी असेसमेंट आपको पता ही है, जो आपने सेल्फ असेसमेंट किया उसका स्क्रूटनी करना। बैच जजमेंट का आपको पता ही है, बैच जजमेंट मतलब किस किस किन किन लोगों का बैच जजमेंट होता है, बैच जजमेंट 5 सालों के अंदर होता है और किन किन लोगों का बैच जजमेंट होता है, नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न जो रिटर्न ही नहीं भरे लेकिन रजिस्टर्ड थे, और दूसरे कौन, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सेक्शन 62 और 63 आपको पढ़ा चुका हूं मैं, है ना। समरी असेसमेंट आपको पता है, कोई इंसान भागने वाला हो तो उसका समरी असेसमेंट करो, फिर होती है ऑडिट। देखो सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड, ये सब है ना। ऑडिट कब तक करनी होगी, 3 मंथ्स के अंदर ऑडिट करनी होगी, 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल जाएगा। दूसरे केस में एक्सटेंशन 90 डेज का मिल जाएगा और 90 डेज के अंदर ऑडिट करनी होगी, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो चुका, आप क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं नॉर्मल क्लास के अंदर, सारे क्वेश्चन आपकी क्लास में हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चन की क्लास में तब क्वेश्चन सारे करा दूंगा, ठीक है। ये खत्म हो गया अपना असेसमेंट एंड ऑडिट। कौन सा चैप्टर लें, आपके लोगों की बस की भी नहीं लग रही मुझे तो, पता नहीं ऐसे ढीले ढीले से बैठे हो, बताओ मुझे अब कौन सा चैप्टर उठाएं, कौन सा चैप्टर उठाएं हम अभी तक। अपन ने क्या क्या कर लिया, तो मेन मेन वैल्यू प्लेस टाइम ये कर लिया अपन ने, फिर अपन ने कर लिया एग्जामिनेशन, ये बड़ा चैप्टर था, ये सारे बड़े बड़े चैप्टर हैं मेन, 4 to 7 जो थे ना, 4 चैप्टर सबसे बड़े चैप्टर थे, अपन ने कर लिए। सप्लाई 10 मिनट का चैप्टर है, आराम से खत्म कर लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के ना 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता रखे हैं, अभी कर लेंगे। 4 तो जीएसटी कंपोजिशन देख भी बता देना, ठीक। रजिस्ट्रेशन में आपको अभी बता दूंगा, रजिस्ट्रेशन का बहुत, रजिस्ट्रेशन जिसको भी देखना है ना, मैंने बहुत अच्छा लेक्चर डाल रखा है रजिस्ट्रेशन का, अराउंड 2 आवर्स का लेक्चर है उसको, 1.5 में देख लूँ रजिस्ट्रेशन, उससे बेस्ट कहीं आपको मिल ही नहीं सकता यूट्यूब के अंदर रजिस्ट्रेशन। फिर अपन ने देख लिया रिफंड का भी बहुत अच्छे से, सारे क्वेश्चन कराए हैं एक, ठीक है। अपन ने देख लिया अभी असेसमेंट एंड ऑडिट, अब क्या करना है, रिफंड करना है, सीधा रिफंड पे आए,
इसे रिफंड बहुत अच्छे से करा रखा है मैंने, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। हाँ रिफंड में कराता हूँ पहले, उससे पहले ये फटाफट से दो तीन चैप्टर ने छोटे छोटे इंस्पेक्शन डिमांड एंड रिकवरी, ये देखो रिफंड कराता हूँ पहले, कम से कम वेटेज हो जाए। रिफंड में 15 मिनट लगेंगे, इनमें 5-5 मिनट लगेंगे। हाँ इंस्पेक्शन सर्च सीजन अरेस्ट, ये क्या बोलता है इंस्पेक्शन सर्च सीजन अरेस्ट, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं इसके अंदर। इंस्पेक्शन क्या होता है, पहली बात तो इस चैप्टर के ऊपर लिख लो, इस चैप्टर में जो मेन हीरो है ना वो जॉइंट जॉइंट कमिश्नर है जेसी, ठीक है जॉइंट कमिश्नर जेसी, ठीक है इस चैप्टर के अंदर जो मेन हीरो है वो है जॉइंट कमिश्नर, ठीक है जितनी भी बातें इस चैप्टर में जॉइंट कमिश्नर का मेजर रोल है, इंस्पेक्शन सर्च सीजर एंड अरेस्ट। अब सेक्शन 60 सेक्शन वेक्शन वैसे याद रखने नहीं है, और सुनो अभी तक अपन ने सेक्शन 66 तक पढ़ लिया था, अब आते हैं सेक्शन 67 पे। सेक्शन 67 बोलता है पावर ऑफ इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर, ठीक है सर्च सीजर इंस्पेक्शन वगैरह कहाँ कहाँ हो सकती है भाई, उसके रजिस्टर्ड प्लेस पे इंस्पेक्शन सर्च सीजर हो सकती है ना, और उसके वेयर हाउस पे हो सकती है, उसके ट्रांसपोर्टर के यहाँ हो सकती है, कहाँ कहाँ पे हो सकती है इंस्पेक्शन, उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे हो सकती है, उसके ट्रांसपोर्टिंग गुड्स पे हो सकती है, मतलब जो भी उसको ट्रक में सामान चढ़ा हुआ है वहाँ पे हो सकती है, या फिर वेयर हाउस पे भी हो सकती है, ठीक है। सर्कमस्टेंसेस फॉर कैरिंग आउट इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन क्यों होता है, जब आपको लग रहा है कि आपने कोई ट्रांजेक्शन छुपाया है, ज़्यादा ITC क्लेम कर ली, कोई गुड्स और सर्विसेज छुपाए हैं, उस केस में लगता है इंस्पेक्शन, उस केस में होता है इंस्पेक्शन। ठीक है सर्च और सीजर का मतलब क्या होता है, सर्च करना मतलब ढूंढना, सीजर मतलब खुद उठा ले जाना सामान को, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि भाई सामान इस तरह का है कि आप उठा के ले जा सकते हैं, सीज कर सकते हैं, तो ले जाओ उठा के, पर आपको लग रहा है कि भाई सीज करने का ऐसा लग रहा है हर्षित मेहता क्या, जैसे रेट बढ़ी थी आपने स्कैम 1992 के अंदर देखा था, उसके जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह थे तो वो उसको डिटेन कर लिया, डिटेन का मतलब कि उठा के तो ले जा रहे हैं लेकिन एक बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पे कोई हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है। सीज का मतलब कि भाई पता है प्रैक्टिकली पॉसिबल है सीज करना, सीज कर ले जाओ, ठीक है। सीज वीज कर लिया तो मतलब सामान ले गए, कॉन्फिस्केटेड गुड्स मतलब अब जो गुड्स लेके गए ना उनको छोड़ेंगे कैसे, जो गुड्स लेके गए उनको छोड़ेंगे कैसे, वो देखो प्रोविजनल रिफंड। देखो प्रोविजनल देखो क्या होता है, मैनर ऑफ रिलीज ऑफ कॉन्फिस्केटेड गुड्स मतलब गुड्स को छोड़ेंगे कैसे, दो तरीके से छोड़ सकते हैं, एक तो होता है कि प्रोविजनल बेसिस पे रिलीज कर दो, मतलब आपको पता है कि भाई केस जीते नहीं फिर भी रिलीज कर दो। दूसरा होता है एक्चुअल रिलीज, एक्चुअल रिलीज मतलब है कि शो कॉज नोटिस इशू नहीं किया 6 मंथ्स के अंदर, मैं रिलीज करने के लिए सिक्स पहले आपको क्या होता है, देखो डिपार्टमेंट को 6 मंथ्स के अंदर एक नोटिस देना पड़ता है आपको कि हम आपका शो कॉज नोटिस, चाहे तो डिपार्टमेंट इस टाइम को बढ़ा भी सकता है 6 मंथ से, लेकिन अगर 12 मंथ्स निकल गया, 6 मंथ निकल गए और टाइम भी नहीं बढ़ाया, तो डिपार्टमेंट को आपको आपके बुट छोड़ देने पड़ेंगे, आपके बुट छोड़ देने पड़ेंगे अगर आप डिपार्टमेंट ने टाइम भी नहीं बढ़ाया तो, ठीक है। पेरिशेबल गुड्स है, मान लो आपकी कोई सब्जी वब्जी इस तरह की कोई गुड्स हैं जो खराब हो जाए, या बॉल पैन है, या कोई भी ऐसा कुछ पेरिशेबल गुड्स हैं, तो उस केस में अलग प्रोविजन लगेंगे, उस केस में डिपार्टमेंट उनको छोड़ देता है। कॉग्निजिबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजिबल, इसका मैंने बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया था, काम करते हैं कुछ कुछ फेवर जैसा लग रहा है, या तो एक काम करते हैं इसका पार्ट 3 लेके आते हैं, इसके अंदर हम अच्छे से करें, आप भी बोर हो रहे हो, आप भी बोर हो रहे हो पूरी तरह, क्योंकि मेरे अंदर भी वो एनर्जी है लेकिन ऐसी नहीं है कि भाई इतनी गोलियां खाऊं, सुबह से 3 तो खा चुका मैं, तो पार्ट 3 लेके आएंगे इसमें पूरा GST खत्म कर देंगे, या तो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में हो रहा है अभी, घास काटने से कोई मतलब नहीं, एकदम परफेक्ट होना चाहिए तो कोई मतलब नहीं है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है मुझे बताओ, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
बाकी इस तरह की ये मैंने एक एक चीज पहले करा रखी है ये सारी, और इतने अच्छे से इन डेप्थ भी रिविजन कर रहे हैं, और रिविजन एकदम तो एनर्जेटिक वे में होना चाहिए था। शुरू शुरू में अच्छे से हो भी रहा था, लेकिन वो फ्लो टूटा, फिर फ्लो टूटते गड़बड़ हो गई। एंड में आपको क्या करना है, यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का अकेडमी चैनल है, बिकॉज आपको इससे सारे नोटिफिकेशन वगैरह सब मिल जाएंगे। और आपको कुछ भी, आपका छोटा भाई बड़ा भाई कोई भी फ्रेंड रिलेटिव अन अकेडमी से कुछ भी ले, तो एक AKG 10 कोड लगवा दीजिएगा। फ्री में भी क्लास लेना हो तो AKG 10 कोड लगवा दीजिएगा। आज अपन ने क्या बड़े बड़े चैप्टर ज़्यादा देखे, छोटे छोटे नहीं देखे, इससे टाइम लग गया। जैसे वैल्यूएशन हुआ, एग्जम्पशन हुआ, ये तो 5-5 मिनट के चैप्टर हैं। इनका मैं एक और रिवीजन ले आऊँगा, 1 घंटे के अंदर कोशिश करूँगा ये सारा ख़त्म करा दूँ। अभी क्या इसको फालतू घसीटने का कोई मतलब नहीं है, Part 3 ले आएंगे इसका, कल करते हैं बाकी का। और एक DT का भी लेक्चर है परसों, उसके अंदर ट्रस्ट के सारे क्वेश्चन मैं आपको खुद से करवाऊँगा। वो लेक्चर बेसिकली क्वेश्चन ओरिएंटेड ज़्यादा रहेगा, और जो जो क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन होंगे उनको मैं डिस्कस कर लूँगा, जैसे पुराने वाले लेक्चर के अंदर किया था। ठीक है, आज अभी मैं रेस्ट करता हूँ, आप लोग भी रेस्ट करो। थैंक यू सो मच इतना कॉपरेट करने के लिए, दिन से लगे हुए हैं हम। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। आपके एग्ज़ाम के टाइम हर वक्त मैं आपके साथ हूँ, दिन हो या रात कुछ भी हो, आई एम ऑलवेज देयर विद यू, अन अकेडमी इज ऑलवेज देयर विद यू। आप लोग इतना यू नो लव एंड अफेक्शन, इतना सपोर्ट करते हैं, एक अलग ही सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, मज़ा आता है पढ़ाने में। टू बी ऑनेस्ट बहुत मज़ा आता है मुझे पढ़ाने में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर एवरीथिंग, प्लीज़ टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।